और अकरम खान होंगे। एक बार फिर से स्वागत है सभी साथियों का यहाँ से। भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब राष्ट्रगान का गायन होगा और उसके बाद इस मुकाबले का टॉस है वो करवाया जाएगा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। संभवतः सभी खड़े हो चुके हैं। अब राष्ट्रगान का गायन होगा उसके बाद इस मुकाबले का टॉस है वो करवाया जाएगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस मुकाबले का टॉस है वो करवा दिया जाए यहाँ से। एक मिनट अंपायर, दो मिनट इंट्रो करवा दो टीम से। तो ये टीम खातेवासिनी, बिल्कुल आपका जो टीम से है वो इंट्रो करवाते हैं। नाम बोलना आरिफ खान, आरिफ खान, मोहसिन सिसोदिया, मोहम्मद अकरम, यूसुफ खान, यूसुफ खान, नूर मोहम्मद, राशिद अली, अजर, राजेंद्र भाई, नयूम सिसोदिया, सलीम खान, सैफ खान, नदीम भाई। तो ये थी टीम खातेवासिनी और इनके साथ में पधारे बिल्कुल जो अतिथि और ये इस मुकाबले के जो ऑफिशियल अंपायर है वो रहेंगे परवेज भाई और उनके साथ थर्ड अंपायर की भूमिका में इकबाल काका और जो सेकंड अंपायर है वो रहेंगे करामत भाई। और अब जो टीम एडी टूर एंड ट्रेवल्स खिरवा उनसे भी आपको इंटर करवाते हैं यहाँ से। जहीर खान, शाकिब, अरशद भाई, इदरीस भाई, मोहम्मद आमिर, फरदीन खान, वसीम पठान, इकरार पठान, आदिल खान, अब्दुल खालिद, हामिद शोहेल। तो ये थी टीम एडी टूर एंड ट्रेवल्स खिरवा और अब इस मुकाबले का जो टॉस है वो करवाया जाएगा यहाँ से। तो कौन कोई ना वो रहने वाला टीम सुजानगढ़ का। तो इस मुकाबले का टॉस है वो जीता यहाँ से टीम खिरवा ने और पहले किया बल्लेबाजी करने का फैसला। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी टीम आपको एडी टूर एंड ट्रेवल्स खिरवा। तो हम हमारा जो सेटअप है उसको सेट कर लेते हैं और इस मुकाबले के जो तीनों ऑफिशियल अंपायर है आ जाओ, तीनों आ जाओ।
टी शर्ट पहना थे अंपायर साहब। करामत भाई थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, टी शर्ट पहन लो आप। खीरवा ने इस मुकाबले में टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो इस मुकाबले के जो तीनों अंपायर है वो इस प्रकार है, सबसे पहले परवेज भाई, करामत भाई और इकबाल काका। तो आप तीनों को ये बड़े इसे बड़े मुकाबले की जो अंपायरिंग करने का जिम्मा दिया है, तो मतलब किस प्रकार से आपकी अंपायरिंग रहने वाली है, मतलब किसी भी टीम के पक्ष में आपको दोनों के पक्ष में करना फैसला, तो क्या सोच के आप अंपायरिंग करने उतरे हो? मैच है ये, बड़ी टीमों का मुकाबला है। टीमों में जो अनुबंधित खिलाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो अनुबंधित खिलाड़ी एक तरफ राजेंद्र चौधरी उर्फ डाला होंगे, वहीं दूसरी ओर आप करामत भाई आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद आपका। तो अब हम हमारा जो सेटअप है उसको सेट कर लेते हैं यहाँ से।
आयाम है वो स्थापित किया। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी साथियों यहाँ से। आज के दिन का ये पहला मुकाबला वो स्टार्ट होता हुआ टीम एडिट्यूड एंड ट्रेवल्स खिरवा बनाम है किसी से खतरवास नहीं। और इस मुकाबले का टॉस है वो उसका टॉस का जो बॉस है वो रहा टीम यहाँ से एडिट्यूड एंड ट्रेवल्स खिरवा हो रहे हैं। उन्होंने पहले लिया बल्लेबाजी का फैसला तो टीम खतरवास नहीं हुई यहाँ से बिल्कुल गेंदबाजी करने का न्योता दिया। तो सलामी बल्लेबाज दोनों आ चुके हैं टीम खिरवा की तरफ से। एक तरफ इकरार पठान है तो उनके सामने बल्लेबाज वो रहेंगे अर्शद पठान। इस टीम में नईम सिसोदिया है। इस टीम के गेंदबाजी आक्रम में सोएब खत्यास नहीं है। इस टीम के बल्लेबाजी क्रम में सलीम एशार के है जो कि 11 स्टार बालिया का जो पिछला मुकाबला मैंने देखा था 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022 का जो आयोजन हुआ था आगाज हुआ था वहां मुकाबला शेखा बासनी वर्सेज खात्या बासनी के मध्य था। उस मुकाबले में शुरुआत में 5 से 6 रन पर 3 विकेट जा चुके थे। वहां सलीम एशार के और सोएब ने अपनी पारी को संभाला था। बहरहाल इस मुकाबले को स्टार्ट कर दिया जाए। तो इस मुकाबले की पहली गेंद डालने की तैयार है अक्रम और इस पहली गेंद को खराब गेंद को प्रकार की गलतियों से चार रन के लिए और साथ ही साथ 9 बॉल का इशारा अंपायर है परवेज खान के द्वारा। मुकाबले यहां से खेले जा रहे हैं। अगर बेहतर है आप कुछ पर्जे से पहले कर लें हाथों को कुछ इधर उधर पहले कर लें क्योंकि इस प्रकार से बल्लेबाज को आप वोट ही देते हुए यहां पर पहली गेंद अभी तक डाली नहीं है और उससे पहले 5 रन वो आ चुके भाई टीम खिरवा के खाते में और खाता खुला इसे चौके के साथ इकरार का और उनकी टीम खिरवा का। और अब ये गेंद वो फ्री रहने वाली इसको बक्सेंगे नहीं बल्लेबाज बिल्कुल मारने का प्रयास किया था लेकिन इस बार बेहतरीन गेंद फ्री हिट गेंद थी ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज इस बार। भाई निर्मल भाई ये आप ही पूछ लेना जब आपको समय मिले तो। गेंद थी ऊपर की हाइट पर गेंद थी नो बॉल करा दी जाती है। इस बीच ये गेंद इस बारिश गेंद को खेला है वहां मिड ऑफ की दिशा में नई मौजूद है जर्सी नंबर 7 गेंद को फील्ड किया थरो करेंगे नहीं क्योंकि वही गेंदबाज है। तो सबसे पहले सभी साथियों को सुप्रभात गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम राम राम और बिल्कुल आज नया साल लग चुका है तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। और इकरार ने आरक्षात्मक तरीके से खेला वहां रन के लिए नदीम शायद नहीं आएंगे भाई पुकारा और वहां रन के लिए पहुंच चुके तो आज बल्लेबाजी क्रम में परिवर्तन किया गया है। जो स्थान अरशद का रहता है उस स्थान पर अब संभवतः जहीर आने वाले हैं और जो स्थान जहीर का है उस स्थान पर अरशद को लेकर आए हैं। नया साल है नए साल का नया आगाज है नई रणनीतियों के साथ नजर आती हुई यहां से टीम खिरवा एडी टूर एंड ट्रेवल्स स्पॉन्सरशिप में खेल रही है। एडी टूर एंड ट्रेवल्स की 2 ब्रांचेज है संभवतः पिछले मुकाबले में बताया गया था एक इनकी ब्रांच सुजानगंज में है दूसरी इनकी ब्रांच अजीतवाना में है। और बिल्कुल एडी टूर एंड ट्रेवल्स की शुक्रिया एमडी सलमान भाई मोहम्मद सलमान भाई हमारे बीच विराजमान है अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए आए हैं। और आज तो रमजान खान का पूरा सुजानगढ़ की जो वार्ड नंबर 32 की जो टीम है जहीर एंड पार्टी पूरी आई हुई है। चाहे बात कर ले हमीद भाई सुजानगढ़ एक लीजेंड खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भी अपना जलवा बिखेरा था लाडाबास की तरफ से खेल रहे थे उस मुकाबले में डाबरी के खिलाफ जो लाडाबास का मुकाबला था। बिल्कुल हेतम सर के खिलाफ जो मुकाबला था उस मुकाबले में अपनी चमक है वो बिखेरी थी उस मुकाबले में अपनी चमक बिखेरी थी कुछ हद तक अपनी टीम को उस मुकाबले में बना के रखा था पर एक रनआउट के चलते वहां और इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। पर आज बिल्कुल टीम के साथ जुड़े हैं जहीर सुजानगढ़ के साथ जुड़े हैं। इनके अतिरिक्त इस समय सुजानगढ़ एक्सप्रेस नावी जो अरबाज नावेरी है वो भी आज बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कुर्बान भाई ये मैच हो रहा है गांव छोटी मेरी तहसील लीडवाना जिला नागौर है। रोहन भाई हमारे साथ जुड़े स्वागत आपका अगला मैच भाई जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस बारिश गेंद को क्या बेहतरीन तरीके से खेला है वहां पर प्लेसमेंट शानदार किया है धीमी आउटफील्ड के चलते वही 2 ही रन से संतुष्ट करना होगा अरशद पठान खिरवा को। धीरे धीरे लय में आने का प्रयत्न करते हुए यहां से स्कोर है 1-10 बिना किसी नुकसान के। हां जहीर भाई है नानू राम जाखड़ भाई वो सुजानगढ़ की टीम से सुजानगढ़ से खेलते हैं लेकिन आज जुड़े हैं टीम खिरवा के साथ एक विदेशी के प्लेयर के रूप में एक अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में। हाँ अगले मैच में है भाई विजेंद्र वर्मा अगले मैच में छोटी बेरी टीम महफिल है उनकी तरफ से नजर आएंगे विजेंद्र वर्मा और वहीं सामने उनके सामने टीम है सोमलपुर अजमेर उस टीम में विदेशी अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में आपको नजर आएंगे यूनिक इमरान। राशिद करामत एक मिनट
एक के बाद स्कोर 10 रन। अब नई गेंदबाज गेंदबाजी के लिए यहां से सैयद मोहम्मद आए हैं। तो गेंदबाजी के लिए राशिद आए और एक रन के साथ स्ट्राइक पे बल्लेबाज अब अर्शद पठान। खुशी भाई वो जल्दी से भेज देना जो आपको काम बोला वो, ठीक है ना। गेंदबाजी के लिए राशिद आए हैं यहाँ से। राशिद अली पहली गेंद को रक्षा अच्छी तरीके से खेला, वहाँ इकरार नहीं, वो बहुत स्ट्राइक छोड़ चुके हैं। अब स्ट्राइक के लिए बोला उसको जल्द से जल्द भेज देना, ठीक है। इस मुकाबले के दोनों ही ऑफिशियल अंपायर अनुभवी अंपायर जो कल के दिन आपको खेलते हुए भी नजर आए थे, सेंट मेरी स्कूल छोटी बेरी की तरफ से कप्तान थे परवेज भाई, वही बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर करामत खान उतरे थे कल के मुकाबले में। हालांकि जो मुकाबला बहुत बड़ा था, रोमांचक मुकाबला था, रोमांचक मुकाबलों में अंतिम ओवर में जाते जाते टीम कुचामन ने उस मुकाबले में विजय प्राप्त की थी। कल के मुकाबले में क्या बेहतरीन हमें अनुमति खिलाड़ी देखने को मिले थे। एक तरफ साकिर अजमेरी दिखाई दिए थे, दूसरी तरफ अजीत करवासरा दिखाई दिए थे और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीम के लिए क्या बेहतरीन एफर्ट लगाए थे, वहां अपना 100% दिया था। आज के दिन भी राजेंद्र चौधरी भाई खाद्यवासनी की टीम में, वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, अरबाज भाई, इरशाद खान, स्वागत है। अभी आपको गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई देंगे, उनके अतिरिक्त दूसरे जो अनुबंधित खिलाड़ी जहीर सुजानकर, ये बेहतरीन पर नई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है। उस दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। बैक टू बैक अच्छी बाउंड्रीज लगाते हुए यहाँ पे इकरार 10 पर जा पहुंचे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है 142 की स्ट्राइक रेट के साथ। इस बार इस गेंद को खेला है जहां शोएब मौजूद है संभवतः। दिलशाद भाई दीवार से दिल से स्वागत है आपका भी, बिल्कुल दिल से स्वागत है। सुहेल खान मलकान भाई वालेकुम अस्सलाम। इस गेंद को वही रक्षात्मक तरीके से खेला अर्शद पठान, खीरवा ने रक्ष में निकल पड़े हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया, 2 के बाद 19 बिना किसी नुकसान के। खीरवा में विदेशी प्लेयर है जहीर खान सुजानकर, खिरवा एडिटोरियल ट्रेवल्स की 2 ब्रांचेज, एक सुजानकर दूसरी दीडवाना और उनके भाई। आप उसको छोड़ो खुशी भाई, आपको जो बोला है वो काम कर दो, आप भेज दो बस जल्दी। जुड़े हैं पिछले मुकाबले में, हालांकि आसिफ खान जुड़े थे, इस मुकाबले में रमजान खान जुड़े हैं। वालेकुम असलम इमरान भाई। और वहीं अनुबंधित खिलाड़ी जहीर सुजानकर हैं और आज तो जहीर सुजानकर भाई अब कर दीजिए और सभी साथियों से गुजारिश है थोड़ा सा मुकाबले को शेयर कर दे, इस बड़े मुकाबले को थोड़ा सा शेयर कर दे। आप वो सभी भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से बिल्कुल गुजारिश है कि थोड़ा सा मुकाबले को शेयर कर दीजिए आप। इस बार बेहतरीन पुनः खेला है वहां पर और धीमी आउटफील्ड के चलते, उस दिशा में आउटफील्ड इतनी खराब तो नहीं है, गेंद तेज गति से ट्रेवल करती है सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। कहीं ना कहीं अर्शद पठान खीरवा है वही थोड़े से भाग्यशाली नहीं रहे हैं, अन्यथा देखा जाता है काफी तेज गति से बढ़िया है। असलम भाई साहब आप बताइए, और भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी इरशाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तारीफ की है, कोच कबीर खान भी जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, साकिर अजमेरी के लिए स्वागत है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनसे बातचीत चल रही थी, क्या बेहतरीन एफर्ट लगाया है, इस प्रकार का एफर्ट है वो आपको बड़ी टीम बनाता है, इस प्रकार का एफर्ट है वो विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है।
पूरी तरह से गेम से बाहर जा रहे थे। बाबा जी देखो चौधरी अरविंद भाई जुड़े हमारे साथ, देखो तैयार नहीं थे, अंतिम क्षणों में गेंद को सीमा रेखा के अंदर धकेला और बल्लेबाज को दो ही रन पर संतुष्ट होना होगा वहां से, अन्यथा चार अपना कौन सा सॉन्ग है यार शहजादा आमिर भाई। तो साकिब अजमेरी भी बता रहे थे कि मुझे पता नहीं था इस अंचल में इतना ही बेहतरीन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ये हवा में और आसान सकेच, आसान सकेच और जाना पड़ेगा इकरार को बाहर। इसीलिए इस खेल में जो कैप्टन का रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा जाता है कि टीम का सेनापति अच्छा हो वो टीम को जीत जाती है। और इस टीम के सेनापति नवीन सिसोदिया है, पिछले ओवर में उसी दिशा में एक गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया था इकरार पठान ने, और उस चार के तुरंत बाद अपने जो एक और अतिरिक्त क्षेत्र रक्षक को वहां तैनात कर दिया था, और अब उसी क्षेत्र रक्षक के हाथों लपके गए हैं यहां पर इकरार पठान। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो कैप्टन है वो बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, आपके जो कैप्टन है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आला दर्जे का होना चाहिए, और यहां दिखाया है नवीन सिसोदिया ने उस चार के तुरंत बाद अगली गेंद पर वहां एक एक्स्ट्रा फील्डर को तैनात किया था, और उसी दृष्टिकोण के साथ आए तो नए बल्लेबाज है वह जहीर खान, और कहीं ना कहीं मन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं है, अन्यथा जब मन में दुविधा हो तो बल्लेबाज अपना बेस्ट है वो दे नहीं पाता है। जब डबल माइंड रहता है कि इस प्रकार से खेलना है तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाज को एडवांटेज रहता है, पर वहां बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं जहीर सुजानगर। अगली गेंद को भाई ये मेरा काम नहीं है निर्मल भाई, अगर आपको पूछना तो आप इन्हें पर्सनली कॉल करके पूछ लो, बार बार मेरे को इस सवाल के लिए परेशान मत करो, आपसे गुजारिश है। मुझे क्या मतलब है यार मैं इस बारे में पूछूं से। स्कोर जा पहुंचा यहां से 23 रन। वालेकुम अस्सलाम अकबर भाई, मोहम्मद काका जी बात कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो, मोहम्मद सलीम भाई आपका भी स्वागत है, जय हिंद जीतू भाई। हाँ बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी है बाबा जी जहीर भी। और इसी बीच विनू भाई भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हाँ खातेवासनी में विकेट कीपर है वो राजेंद्र चौधरी, इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे पहुंचते हुए और गलती नहीं करेंगे, गलती करने वाले फील्डर है नहीं, गलती करने वाले खिलाड़ी है नहीं, सफलता अर्जित की है। अरशद पठान खीरवा का शिकार किया है, और शिकार किया है इस गेंदबाज ने बैक टू बैक दो शिकार किए हैं। कल मैच है सिसोदिया ने, अक्रम ने दावड़ी की टीम खेलती हुई नजर आएगी आपको, शेरानियाबाद खेलती हुई नजर आएगी, बीसीसी फोर आउट खेलती हुई नजर आएगी, और नजर आएगी आपको टीम केसीसी कासली। इरशाद भाई कल आप ही की टीम का मैच है, हाँ विदेशी है जहीर भाई। वालेकुम अस्सलाम शौकत भाई, नहीं गुस्से की बात नहीं है रोमियो भाई, अब मुझे क्या मतलब यार मैं इनसे इस सवाल के लिए पूछूं, खाम खा मेरे पे नाराज होएंगे, मुझे मतलब ही क्या है। ये तो उस पूछने वाले को ही सोचना चाहिए ना। सदाम भाई सिकंदर खान का असली भी जुड़े, आपका भी स्वागत है, राम राम पवन कुमार पारीख भाई। बैट्समैन फरदीन ने अब देखते गेंदबाजी के लिए क्या नहीं उमाएंगे, बिल्कुल गेंद तो उनके हाथ में, और फरदीन आए नए बल्लेबाज से, पिछले मुकाबले में जब टीम खीरवा जीती थी तो इसी खिलाड़ी ने बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, और अब आ चुके हैं। अब विनू भाई जहीर खान की फॉर्म मेरे हिसाब से शायद गई नहीं थी कभी, क्योंकि जब भी ग्राउंड में उतरते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बिलाल अहमद भाई, परवेज भाई तो अंपायरिंग कर रहे हैं इरफान भाई,
तौफीक गहलोत भाई वालेकुम अस्सलाम। अब गेंदबाजी के लिए नयूम आ चुके हैं क्योंकि तीन जो परफेक्ट गेंदबाज यहां से नजर आ रहे हैं, नयूम सिसोदिया है, राजेंद्र चौधरी है और सोएब खात्यास्नी है। अब संभवतः वो तीनों गेंदबाज यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि तीन गेंद और हो चुके हैं यहां से, छह ओवर खेला इस बार इस गेंद को खेला है वहां पर। अच्छा चित्रक्षण और क्या बेहतरीन फील्ड की सजावट है वो की गई है, दो चित्रक्षकों को बाहर रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में थोड़ा सा वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में रखा है वहां राजेंद्र चौधरी को और लॉन्ग ऑफ को भी थोड़ा सा। और इमरान भाई बता रहे कि आज बड़ा ऑफर है भाई, मिड ऑफ पर रखा गया है जाकिर भाई की तरफ से, जो क्रीमी केक बेकरी है डेरी में वहाँ पे आपको 250 रुपए में दो केक मिलेंगे। पावर प्ले है वो समाप्त हो चुका है, फील्ड रेस्ट्रिक्शन है अब वो है नहीं। वालेकुम अस्सलाम तामिर भाई, अब आपके पास हम भी उम्मीद करते हैं मैच अंतिम ओवर रही नहीं अंतिम गेंद तक जाए। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, जाहिंद ज्वेलर्स बेसवासी हमारे साथ जुड़े, आरिफ खान भाई बगासरा से जुड़े, आपका भी स्वागत है। अली खान कायम खान भाई वालेकुम अस्सलाम, नयूम भाई दो विकेट लेंगे बता रहे हैं, पांच क्षेत्र आपसे हमारे खबर तैनात कर सकते हैं। इसी बीच ये गेंद पहले मुकाबले के हीरो रहे थे, अब शतक ये पारी लगाई थी, दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी का ज्यादा मौका मिला नहीं था इस बल्लेबाज को क्योंकि खीरवा की टीम है वो रणनीति के साथ खेलती है। पहले अफसर पठान भाई हाथ के बल्लेबाज, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां विनु भाई, वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद आरिफ खान भाई खीरवा पहले मुकाबले में अफसर पठान खीरवा उठे और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे फरदीन और आते ही क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, आज शतक की पारी खेली थी और उसके बाद अगले मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था क्योंकि फिर अगले मुकाबले में अफसर पठान खीरवा ने बेहतर बल्लेबाजी की और दाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होते चले गए और दाएं हाथ के बल्लेबाजों को रिप्लेस करने के लिए भी दाएं हाथ के बल्लेबाज आते चले गए क्योंकि ये अर्षद पठान का रिप्लेसमेंट है, जब अर्षद पठान आउट होते हैं तब बल्लेबाजी के लिए आते हैं। इसी बीच जहीर के लिए गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा हवा, गति परिवर्तन मध्यमी परिवर्तन, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है चार रनों के लिए। इस बार बाउंड्री बनी है भाई जहीर के बल्ले से, कोई जब तीस रन दो विकेट के नुकसान पर। जहीर भी बड़ा खिलाड़ी है इस बात में कोई संशय नहीं है, अगर यहाँ से जहीर शो स्टार्ट होता है भाई मोबाइल ज्यादा बड़ा नहीं हमारे पास लक्ष्य है वो मिल सकता है टीम खात्याबाजी को क्योंकि आला दर्जे का गेंदबाज नयूम सिसोदिया है तो वही आला दर्जे का बल्लेबाज जहीर सुजानगढ़ भी है क्योंकि वो भी अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हैं अपनी टीम के साथ। इस बार बेहतर रन आउट का मौका नहीं होगा, विकेट कीपर के हाथ में गेंद उतनी थोड़ा सा बेहतर होता, अगर विकेट पर होता तो वहां रन आउट हो सकते थे, अब वो तो काश की बात है, अगर मगर की बातें हैं वो तो हो चुकी है, वो तो अतीत में जा चुकी है, वर्तमान में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं फरदीन। बेरी का मैच अगला मैच है भाई और बेरी की टीम में नजर आएंगे आपको विजेंद्र वर्मा, वर्मा जी इस बार और उनके सामने टीम है बेहतरीन क्षेत्र सोमलपुर जिसमें आपको अनुबंधित खिलाड़ी वो नजर आएंगे यूनिक इमरान प्यावर कतर में जो फुटबॉल, शुक्रिया पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो पूरा देखा है इस खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन क्षेत्र किया है। वालेकुम अस्सलाम आतिफ असलम रोड साहब सर हमारे साथ जुड़े, स्वागत आपका भी रहेगा। आउट होने वाले बल्लेबाज है इकरार पठान और अर्शद पठान कप्तान, वैसे देखा जाए तो अब वॉइस कप्तान अर्शद पठान क्योंकि इस टीम की जो कप्तानी का जिम्मा वो संभाले हुए हैं जहीर खान और उन्हीं के बिल्कुल नेतृत्व में ये टीम वो खेल रही है यहाँ पे, उन्हीं की स्पॉन्सरशिप में ये टीम वो खेल रही है यहाँ पे। हाँ इसमें कोई दोराई की बात नहीं, इर्शाद भाई बोले सुमेर नायक भाई गेडा से हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू चार के बाद 33, अब राजेंद्र चौधरी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, 252 मैच 234 विकेट, 8 का एक का इकोनॉमी है, 6 विकेट इनकी एक पारी में सर्वश्रेष्ठ इसको जो गेंदबाजी विश्लेषण है पारी के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और गेंदबाजी के लिए बुलाए हैं राजेंद्र चौधरी उर्फ डाला। गेंद काटर गेंद थी, गिरने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकलती हुई अच्छी गेंद यासिर भाई, राजेंद्र चौधरी बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। एसएल सिसोदिया भाई हेलो, एक और गति में परिवर्तन किया हुआ इस गेंद पे, अपने लिए जगह बनाई वहां जहीर, गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी तो वहीं रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। 82 रन टेबल्स खीरवा
इस बार बेहतर गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी गेंदबाजी भाई अभी तक राजेंद्र के पास है, कोई रन नहीं कोई। अरे भाई अभी तो बैठे हैं लाइन पे, चाय भी पियेंगे सब कुछ होगा। यहाँ से 33 रन दो विकेट के नुकसान पर टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। प्रयास किया था जहिर ने, वहां पुनः गेंदबाज है गति और वेरिएशन करते हुए बार बार बल्लेबाज को बिल्कुल सेट होने का मौका। अभी तक राजेंद्र डाला ने यहाँ से जो गेंद डाली है उस पे बिल्कुल झूझते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे टीम कप्तान जहीर खान। राजेंद्र चौधरी जयपुर जिले के सांगानर के पास में इनका गांव है। इस बार कंसी वाले से बाहर चली जाएगी चार रनों के लिए, तो जहीर को भी अगर आपको शांत रखना है तो इसे आउट करना होगा। क्रीज पर रखकर शांत नहीं कर सकते, एक गेंद के लिए शांत कर सकते हैं, दो गेंद के लिए शांत कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक ओवर के लिए शांत कर सकते हैं, पर अंत में अशांति होनी है। अंत में अगर जहीर अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ जहीर शो स्टार्ट होना ही होना है। इस बल्लेबाज को आपको एक और बेहतर गेंद, एक और अच्छी गेंद, अच्छे ओवर की समाप्ति, पूरी तरीके से पांच गेंदों पर बीट किया है जहीर को, एक गेंद पर जहीर ने गेंदबाज को बीट किया है। और तो ये संघर्ष है, ये चलता रहेगा इस पूरे मुकाबले में। ये बहुत अच्छी बात भी है। नौशि भाई बता रहे कि आज के दिन गुटखा तंबाकू का सेवन मत करना। वैसे तो नौशु भाई जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, रोमन भाई, इमरान खान भाई, वालेकुम अस्सलाम। और नौशु भाई के साथ साथ आप भी बिल्कुल हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, शुक्रिया विनोद भाई आपका भी। नौशु भाई हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका। इरफान भाई बेरी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका भी रहेगा। अब भाई गेंदबाजी के लिए बिल्कुल खात्यावासिनी के सबसे तेज तरार, वो खात्यावासिनी नहीं, मेरी नजर में अगर नागौर जिले में बात की जाए तो बिल्कुल प्रदीप भलिंगा की जैसी गेंदबाजी ही नहीं किया भाई, बहुत तेज गेंदे हो रहा है। ये देखिए भाई मुजाहिरा गेंदबाज ने पहली गेंद पे बल्लेबाज फरदीन को किया है डगआउट की तरफ रवाना। स्पॉन्सर मदीन भाई, क्योंकि टीम बेरी है वो मदीन भाई के स्पॉन्सरशिप में खेलती हुई। इसी बीच फरदीन का आज का दिन अच्छा नहीं रहा, इस प्रतियोगिता में जितने भी फरदीन आए हैं उन्होंने कमाल किया है, उनका दिन कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। और मुझे लगता है आज आप भी अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो आप भी अपना नाम ओसावा फरदीन रख लीजिए, तो ये काम है वो बन सकता है। कल के दिन भी हमने फरदीन को देखा था, कुछ अमर के जो फरदीन थे दोनों मुकाबलों में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, इससे पहले मुकाबले में उन्होंने भी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। बहरहाल क्रिकेट है, चलता रहता है। इस समय तीसरा झटका लगा है यहाँ, फरदीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पता नहीं भाई टीम सोमलपुर पहुंची है नहीं पहुंची, वो तो ग्राउंड के बाहर जाके बताएंगे आपको। सोहेल गए हैं बल्लेबाजी के लिए और अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को अभी तक रोक के रखा है अर्शद पठान खीरवा ने, और वो ट्रम्प कार्ड है आज आ जाएंगे मोनू भाई, नौशु भाई, आमिर पठान खीरवा उर्फ खान मोहम्मद भी कहते हैं। उस बल्लेबाज पर भी बड़ा डिपेंड करती है खीरवा की टीम, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, या फिर अपने सीकर जिले की जो बेहतर टीम बनती है, सीकरवाटी अंचल की जो भाई अगर बात की जाए राजस्थान के सबसे टेनिस क्रिकेट में अगर सबसे तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो अगर तीन गेंदबाजों को चुनना होगा तो उसमें बिल्कुल शोएब का नाम वो उन तीन में आएगा, ये मेरा मानना है शोएब का। अगर राजस्थान के तीन तेज गेंदबाजों को चुना जाए टेनिस क्रिकेट में तो शोएब का नाम उसमें बिल्कुल आएगा। वालेकुम अस्सलाम रोडू भाई। और आबिद खाई बता, आबिद खान भाई जहीन जेवल ज्वेलर्स के जो ओनर है वो बता रहे हैं बेसवा से कि अगर कोई भी गेंदबाज खात्यावासिनी का हैट्रिक लेता तो 500 रुपए की राशि है। और देखते हैं मौका है, यहाँ से एक विकेट लिया है ने। गति का फायदा मिला यहाँ से बल्लेबाज को, आड़े बल्ले से खेला भाई, शॉट ओवर है, गति का पूरा फायदा मिला भाई कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल जिस गेंदबाज की मैं बात कर रहा था शोएब खात्यावासिनी, यही वो गेंदबाज करते हैं, पहली गेंद पर ही फरदीन को क्लीन बोल्ड कर दिया वहाँ। अभी पता नहीं नानूराम भाई दोनों ही खिलाड़ी को कुछ पता नहीं किस टीम के साथ जुड़े हैं, गति है और गेंदबाजों के मुकाबले तो जो गति है वो फर्क पैदा करती है। बहरहाल वहाँ अमित सोहेल को कोई मतलब नहीं है गति से,
वो बेहतर बल्लेबाज इरफान भाई रोज खेलते काका के साथ 8 बजे के बाद में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए दूसरी गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर अभी भी 43-43 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर पर गति पर इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला रन के लिए निकले हैं वहां रन पूरा भी हो जाएगा स्कोर चा पहुंचा 44-44 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर भाई गहलोत जुड़े हमारे साथ अशफाक भाई चुगनी से भी जुड़ चुके हैं आपका भी स्वागत रहेगा तो अभी तक जहीर खान ने 11 गेंदों पे मात्र 11 रन का सहयोग किया अपनी टीम को जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम अभी तक बखूबी निभा नहीं रहे और फुल टॉस गेंद और फंसा ही लिया आखिरकार यहाँ से अपने चंगुल में और सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसाया है और वो किसने फंसाया है उसी गेंदबाज ने जिस गेंदबाज की मैं बात कर रहा था हाँ तो बिल्कुल मेरे शब्दों का मान रखा है इस खिलाड़ी ने क्योंकि मुकाबला स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल इस खिलाड़ी के बारे में बातचीत चल रही थी चर्चाएं चल रही थी और इस खिलाड़ी ने आपने ही उन शब्दों को जस्टिफाई कर दिया है यहाँ उन शब्दों में बेहतरीन बल्लेबाज है 130 पारी में 81-83 रन है 77 रन का ये स्कोर 24 का इनका एवरेज 113 स्कोर यहाँ पर 44 पर 4 छठा ओवर पर गति पर तो बल्लेबाजी के लिए आमिर खिरवाए भाई ये भी शेखावटी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं एक बात ये गेंद आमिर पठान खिरवा के लिए रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं 6 के बाद 44 4 विकेट के नुकसान पर असलम भाई साहब अगर मेरे हाथ में होता किसी टीम को जीत देना तो मैं यहाँ पे अपने गांव की टीम बुलाता और उसी को फाइनल खिलवाता इस मुकाबले में तो जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और अभी तक इस मुकाबले में बात कर ली जाए तो थोड़ा सा हावी रही है टीम खात्याबाज की और हावी किया इस गेंदबाज शोएब खात्याबाज ने जर्सी नंबर 10 राजेंद्र चौधरी बॉलर हाँ हाँ तो एक बार फिर से गेंदबाज के लिए राजेंद्र चौधरी उर्फ डाला डाला है वो आला ओहो भाई साहब बहुत दूर गई है तो गेंदबाज का स्वागत हुआ यहाँ से मिड विकेट इसी 6 के साथ 50 रन अर्थ तक पूरा हुआ आमिर सोहेल ने आते ही यहाँ प्रयास किया है पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया था 6 रनों के लिए इस बार इस ओवर की पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए अब तो 2 छक्के लगा चुके हैं इस बल्लेबाज का वाइट का इशारा ऑप्शन से बाहर थी गेंद वाइट करा दिया वहां पर प्रवीण भाया ने और इस गेंदबाज के पीछे जा रहे थे जो कहीं ना कहीं राजस्थान टेनिस क्रिकेट का स्टार खिलाड़ी है और राजेंद्र चौधरी कल रात को मालपुरा टोंक में जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है वहां जो फाइनल मुकाबला जीता है उस टीम के खिलाड़ी रहे हैं और फाइनल मुकाबले में शुरुआती ओवर्स में क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा था क्योंकि वहां मिट्टी का विकेट था और मिट्टी के विकेट पर रन है वो काफी मुश्किल से बनते हैं फिर भी 5 ओवर में 45 रन जोड़ दिए थे इस बल्लेबाज ने राजेंद्र चौधरी ने बहरहाल इस समय गेंदबाजी बेहतरीन भाई हाँ काका थर्ड अंपायर मुबारक भाई शुक्रिया फारूक खान वालेकुम अस्सलाम सोहेल भाई तनवीर डारा नागोरी डारा भाई नाम तो बल्लेबाजी के लिए अब इस टीम के एक और सीनियर प्लेयर आए हैं वसीम अकरम ऐसे तो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज देखते हैं बल्लेबाजी के लिए लंबे करियर है वसीम का भी काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं वसीम
और वसीम को हमारे अंचल में तो प्यार से मामारा कहा जाता है। अब यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वसीम, अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। वालेकुम की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे खालिद कामली। उस दौर में खालिद कामली और वसीम दो समता बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। उस दौर के गोल्डन टाइम था इनका, इनके करियर उस समय पीक पर था। बहरहाल अब पिछले काफी समय से जद्दोजहद में है, संघर्षरत है, संघर्ष करते हुए गेंद वहां पर खेला है, निकल गई है भाई। इस बार मारे का से बाहर चली जाएगी चार रनों के लिए। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आते ही गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है चार रनों के लिए। इसी चार के साथ स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज है इकरार पठान, अर्शद पठान, जहीर खान, फरदीन, अमित शोहल, चार हुई है। हाँ इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। जब्बार भाई वसीम के लिए गेंद अंदर आती हुई गेंद थी, वाइड का इशारा, काफी बाहर वाइड का इशारा। और बिल्कुल आज के दिन का पहला मुकाबला, बड़ा मुकाबला उछाल के बाहर आता। हाँ प्रयास किया था, क्या बेहतरीन प्रयास किया था वहां क्षेत्र रक्षक सलीम ने। अंतिम गेंद इस ओवर से अब, और बिल्कुल लाइव दर्शकों का आंकड़ा सुबह सुबह के वक्त भी क्या बेहतरीन लाइव दर्शकों का आंकड़ा 400 की ओर अग्रसर है। तो जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, हमारे श्रोतागण हैं, हमारे दर्शक हैं, आप बिल्कुल नए साल के साथ हमसे जुड़े हैं, नए आगाज के साथ हमसे जुड़े हैं, नए टीम के साथ हमसे जुड़े हैं, नए मुकाबलों के साथ हमसे जुड़े हैं, तो आप सबका स्वागत है यहाँ इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 चेंज करके 2016 के मुकाबले चल रहे हैं। दो टीमें हमें सेमीफाइनल के लिए मिल चुकी है, तीसरी टीम आज मिलने वाली है। तो कौन सी टीम आपके हिसाब से यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम हो सकती है? अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो देते रहें, अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाजते रहें, अपना प्यार है आप वो कासिम तेंदुलकर को बिल्कुल लुटाते रहें। लाइव इन कासिम के ऑफिशियल पेज पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट है और वो किया जा रहा है। इस समय जो दर्शक देरी से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, खाते अब्बास ने बॉक्स एडी टूर एंड ट्रेवल्स खीरवा के मध्य मुकाबला है। और अभी तक के मुकाबले की बात कर ली जाए तो 7 के बाद 58 रन 5 मिनट के नुकसान पर थोड़ी सी एडवांटेज में है टीम खाते अब्बास ने। यहाँ से जिस प्रकार की शुरुआत की उम्मीद थी अभी तक उस प्रकार की शुरुआत आई नहीं है, पर इस समय खीरवा के लिए अच्छी बात क्योंकि सबसे बड़े ट्रंप कार्ड है आमिर पठान खीरवा, वो इस अभी भी बल्लेबाजी क्रीज पर मौजूद है। इस बार पांव पर गेंद थी, इस गेंद पर गेंद को वहां डीपी डिग्री दिशा में खेलना चाहते थे वसीम, संभवतः उनके पांव से टकराई गेंद। रोक मिले बोल गेंदबाजी इस समय स्वेप खाता बास ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी, 7 रन 2 विकेट, नो बॉल का इशारा आता हुआ। वहां गति परिवर्तन करना चाहते थे, संभवतः कमर की ऊंचाई से ऊपर थी ये गेंद, इसलिए नो बॉल करार दिया इस गेंद को। फ्री हिट रहने वाली है ये गेंद, गेंद फ्री हिट गेंद रहने वाली है। और कहीं ना कहीं फ्री हिट गेंद इस प्रकार से जब बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आता है, रनों के लिए थोड़ा सा जूझ रहा होता है, रनों के लिए तरस रहा होता है, तो फ्री फ्री हिट गेंद है वो बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। और कई बार देखा जाता है फ्री हिट गेंद है वो मुकाबले को ही चेंज कर देती है, मुकाबले की दशा और दिशा है वो ही चेंज कर देती है। अब बहरहाल इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं, क्या इस फ्री हिट को सुपर हिट में बदल पाते हैं? अभी तक इस मुकाबले में ज्यादा फ्री हिट है वो सुपर हिट में कन्वर्ट हुई नहीं है। इस मुकाबले में इतनी बात नहीं है जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, क्योंकि बल्लेबाज का वही
फोकस रहता है कि गेंद को तेज गति से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया जाए और कहीं ना कहीं गेंदबाज भी उस चीज के लिए प्रिपेयर रहता है तो ज्यादातर गेंदबाज को ही कामयाबी मिलती है। बहरहाल वो फ्री हिट गेंद है, अब वो जा चुकी है उस फ्री हिट गेंद पर, सुपर हिट में कन्वर्ट कर नहीं पाया मेरे। इसी बीच एक बार पुनः शोट दी गेंद, काफी गति के साथ ये गेंद वहां और रिवर्स शिफ्ट में खेलना चाहते थे इस गेंद को। और थोड़ा सा रुख हमारे लाइव व्यूअर्स का भी करते हैं, हमारे लाइव दर्शकों की ओर से अभी रूल चलते हैं, उनसे रूबरू भी होते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं को सफल बनाते हैं। वही है जो इन प्रतियोगिताओं के प्रति अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया है वो देते रहते हैं। तो इस समय हमारे बीच लाइव दर्शकों के रूप में इस बार इस गेंद को खेला है वहां वसीम ने, एक रन से संतुष्ट होंगे और कतई परेशानी में नहीं होंगे खात्यावासी के कप्तान यहां से एक एक रन में क्योंकि डेथ ओवर चल रहे हैं यहां से। तो हमारे बीच जुड़े हुए हैं रियाज खान जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रोमन खान जुड़े हुए हैं बलूदी से, विनोद नाम को काफी प्रचलित किया इस शख्सियत ने, इनके अतिरिक्त जोनी खान है और एक और खीरवा टीम के खिलाड़ी कोच कबीर खान और मोहसिन खान भी जुड़े हुए हैं। तेज गति के साथ गेंदबाजी के लिए वो भी जाने जाते हैं, अपनी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड रहते हैं पर बलारा टूर्नामेंट के बाद विदेश से चले गए हैं, अभी वहां से एज ए दर्शक के रूप में जुड़े रहते हैं, अगर यहां होते तो एज ए खिलाड़ी के तौर पर इस टीम के साथ जुड़ते और इस टीम को मजबूती देने का कार्य करते। बहरहाल इस बार अच्छा आशोट वहां आमिर के द्वारा, लोफुल टॉस गेंद थी वहां पर गेंद को स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई चार रनों के लिए। इस प्रकार की बाउंड्रीज बैक टू बैक यहां से लगानी होगी क्योंकि डेथ ओवर चल रहे हैं। उनके बाद शमरान मफान है, रोमियो खान है बीसवा से, भींचरी से ही है वैसे, बीसवा ननिहाल है और रोमियो खान वो भी जुड़ चुके हैं, मेरे ही गांव से आते हैं। रोमियो खान और रोमन खान की बड़ी अच्छी मित्रता है, सोशल मीडिया पर अपना प्यार है वो दिखाते रहते हैं। इसी बीच एक बार पुनः स्वीप करना चाहते थे उसी दिशा में पर इस बार लेंथ बल्लेबाज के मुताबिक नहीं थी, अच्छी गेंद। गेंद के अतिरिक्त रियाज खान है, अब्दुल अजीज साकला है, रजा खान है, अर्शद खान मेहरा है, असलम है, जितने भी लाइव व्यूवर्स हमारे जुड़े हुए हैं, अली शेर खान है और फैसल सिसोदिया भी संभवतः जुड़ चुके हैं इसी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। और बिल्कुल हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, हम बिल्कुल ठीक है, जिस प्रकार से 2022 में आपसे रूबरू होते रहे हैं उसी प्रकार से अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2023 में भी आपसे रूबरू है होते रहेंगे। इसी कड़ी में एक और फाइनल है 5 तारीख को भाई, आज जब्बार कुमार भाई है आप भी जुड़े हैं तो आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से स्वागत है। तो संभवतः आज 1 तारीख हो चुकी है, कल के दिन हमें मोनू दिलावर बेरी है वो पुनः मुकाबले को यहीं से दिखाई देंगे, अभी तक लाइव दर्शक की भूमिका में है, कल ऑफलाइन दर्शक की भूमिका में होंगे। मोनू भाई आपका इंतजार रहेगा, मोनू दिलावर बेरी जो इस समय लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इरफान खान है, एक और बेरियन है इरफान बेरी वो जुड़े हुए हैं, कमल साई सागरवा है, विनोद किनसारिया है, विनोद किनसारिया भाई है, जहां भी प्रतियोगिताएं होती हैं बिल्कुल हमारे बारे में प्रतिक्रिया है वो देते रहते हैं। एक और हमारे साथ मनवर खान मंजी भी जुड़े हुए हैं पूर्णी टीम से, यहां पूर्णी टीम ने बेहतरीन खेल भी दिखाया था तीसरे मुकाबले में, संभवतः दूसरे या तीसरे मुकाबले में बाहर का रास्ता देखा था। मनवर खान मंजी आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। अब्दुल्ला पठान आखिरवा भाईचारा ग्रुप के संचालक अब्दुल्ला पठान भी जुड़ चुके हैं इसी बीच। किनारा किनारा पर आज किनारा लगा है तो फिर सहारा गेंदबाज के लिए रहने वाला है, एक और सफलता इस समय इस मुकाबले में। शुरुआत में लगा था अर्शद पठान खीरवा यहां से पारी को संवारेंगे वो आउट हो गए, उसके बाद लगा अर्शद के बाद फरदीन इस पारी को आगे की ओर बढ़ाएंगे वो आउट हो गए, उसके बाद लगा था जहीर सुजानगढ़ का आज अच्छा दिन है, जहीर सुजानगढ़ यहां से अपनी टीम की नैया है वो पार लगा देंगे, अब बहरहाल वो भी आउट हो गए। और सबके बाद आमिर पठान ने कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी तरह से प्लेसमेंट अच्छा था, गेंद को सीमा रेखा से बाहर भी पहुंचाया था पर अब वो भी आउट हो चुके हैं, अब यहां से वो जिम्मेदारी खालिद को लेनी होगी और उनका साथ देना होगा वहां पर वसीम और खालिद को, बेहतर पार्टनरशिप यहां से करनी होगी, जुगलबंदी में बल्लेबाजी यहां से करनी होगी। और बिल्कुल तब तक पुनः जुड़ते हैं लाइव दर्शकों के बीच, शाहिद गहलोत हैं, शोएल खोकर हैं और बिल्कुल अब सेरानियाबाद के शेर भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्रिकेटर जहूर। और बिल्कुल इस प्रतियोगिता में जो तीन टीमें हैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा मैं भी मैनेजमेंट कमेटी के बिहाफ पर, क्रिकेटर जहूर सेरानी की टीम है सेरानियाबाद जिंदाबाद, उनके अतिरिक्त जो टीम है भाई दाबड़ी और एक टीम है अब्दुल खाली जो बुरावर की जो टीम है, ये तीनों टीमें कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है क्योंकि कल का दिन बड़ा ही टेंशन रहा था मैनेजमेंट कमेटी के लिए, कासली की टीम को बड़ा फाइनल मुकाबला खेलने जाना था किसारी और उनका मुकाबला यहां भी होना था, फिर इन तीन टीमों से आग्रह किया गया था
कि हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो कास्ट एक मजबूत टीम है, उस बात में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और इन तीनों कप्तानों ने अपनी सहमति दिखाई थी कि बिल्कुल आप कास्टली को हमारे साथ हमारे ग्रुप में ऐड कर दीजिए और हमारी जो टीम है रॉयल बेरी उसे आप उस ग्रुप में सेट कर दीजिए। आपके मुकाबले खराब नहीं होने चाहिए, आपकी प्रतियोगिता का नाम खराब नहीं होना चाहिए। और नाम खराब हो भी कैसे, क्योंकि ये प्रतियोगिता हमारे पूर्वज दादा कायम खान की स्मृति में उन्हीं के नामकरण से प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। तो हम बारम्बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जहूर भाई है, अर्जुन जी दाबड़ी है और वही बाबू भाई है सेरानी आबाद से, माफी चाहते हैं बाबू भाई है पीसीसी बोरावर से। तो आप सब तीनों ही महान हस्तियों का, आपके समस्त खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार जो आपने इतना बेहतरीन कार्य किया, इतना बड़ा दिल दिखाया है। बहरहाल पुनः चलते हैं इस मुकाबले की ओर। स्कोर यहां से 70 रन 6 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर प्रगति पर है। इस बार बैट का भारी किनारा लगा, वहां क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस बार किनारा लगा है, वहां तीन गेंद होगी और बिल्कुल लाइव में अब हमारे साथ एक युवा सरपंच भी जुड़े हैं, वसीम सरपंच बालिया। क्रिकेट भी खेलते हैं, अपने गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, पहले प्रथम पुरुष कहा जाता है सरपंच को, और उनके द्वारा एक बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जा रही है। 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-2023 और उस प्रतियोगिता में भी लगभग टीमें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो जो भी टीमें हैं, जो बेहतर टीमें हैं, आज जो बड़ी प्रतियोगिता खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट का स्टार बालिया में अपनी जो टीम की दावेदारी है वो सुनिश्चित कर ले। इसी बीच दूसरा विकेट मिलता होगा वसीम को भी, उम्मीद जिस भी बल्लेबाज से उम्मीद करे खीरवा मैनेजमेंट वही बल्लेबाज हमारे साथ जुड़े हैं कासली से, स्वागत है। 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर प्रगति पर है। तो बिल्कुल 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 का जो संस्करण है वो भी शानदार प्रतियोगिता जारी है। वहां पर प्योर ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है। उस प्रतियोगिता का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा उससे जो आईफोन 11 है उसके साथ नवाजा जाएगा। तो वहां भी जो टीमें हैं, संभवतः सुबह सेजुअल से बात चल रही थी, लगभग टीमें हैं वो हो चुकी है, कुछ ही टीमों के लिए स्पेस है वहां पर। तो अपनी एंट्री है वो सुनिश्चित कर लें और ऐसा ना हो कि एक बड़ी प्रतियोगिता आप मिस कर दें, क्योंकि प्रतियोगिताएं जब अंतिम दौर में पहुंचती है तब जो टीमें रह जाती हैं फिर वो कहीं ना कहीं मलाल करती है। जो कि इस समय चल रहा है, जब हम कुछ और अगुनी बीकानेर गए थे तो वहां से वो बात कर रहे थे कि बिल्कुल नहीं था कि छोटी बेरी में वो प्रतियोगिता होगी, दर्जे की प्रतियोगिता होगी, इस प्रकार का मैनेजमेंट होगा, वहाँ इस प्रकार की लाइव टेलीकास्ट होगा, वहाँ इस प्रकार की कमेंट्री की जाएगी। हम निश्चित तौर पर उस प्रतियोगिता के साथ जुड़ते। बहरहाल उनके लिए वो समय जा चुका था, यहाँ बहुत सी टीमों ने मिस किया है इस प्रतियोगिता को। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अच्छी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना प्रतियोगिता है। इसी बीच आप बल्लेबाजी के लिए आए हैं, इस गेंद को सीमा के लिए आज अग्रज जो काम नहीं कर पाए वहाँ अनुज ने किया है। अर्शद प्रधान खीरवा के छोटे भाई हैं आदिल खान। अर्शद प्रधान खीरवा थोड़े से विफल रहे इस मुकाबले में, वही सफल रहने का प्रयत्न करते हुए यहाँ से 9 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 74 रन 7 विकेट के नुकसान पे। बोल राशिद अली है, तो अंतिम ओवर लेके आए राशिद अली। हाँ बिल्कुल, आसिफ खान भाई साहब ये जुड़ चुके हैं बलारा से और बता रहे हैं कि मुस्तफा के बिना टीम बिल्कुल अधूरी है, और हम भी इस बात से सहमत आपकी आसिफ भाई।
इसी बीच आगे डालू गेंद को यहाँ से इस गेंद को वहाँ खेल दिया प्रयास किया था राजेंद्र चौधरी ने, पर अभी जुड़े हैं इस मुकाबले के साथ। दो तीन मुकाबलों के बाद तो पता चल जाएगा कि लॉन्ग बॉल और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अगर गेंद आए तो आप कैच के लिए चले जाए तो बेहतर है। बढ़िया हाल है जोर भाई, आप बताइए। समान उछाल लेती हुई फील्डर के ऊपर से चली जाती है और वही हुआ यहाँ राजेंद्र चौधरी के साथ। और कल जहूर भाई का भी मैच है, शेरानी का भी। इसी बीच एक बार पुनः प्रहार किया है, इस बार फील्डर वहां पर अशोक मौजूद है, एक बेहतरीन क्षेत्र बेहतरीन गेंदबाज है आज के मुकाबले में, तो क्या बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा है। अब वो रही है इस समय स्कोर 79 सात विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर चल रहा है, अंतिम ओवर की चार गेंद यहां से आना आशीष है इस मुकाबले में। अब संपर्क है वहां पर, गेंद तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाती हुई दो फील्डर गेंद के पीछे है, गेंद को कुछ ही दूरी पर वहां फील्ड कर लिया गया और दो ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। अगले मैच में विजेंद्र वर्मा टीम छोटी बेरी की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगे और उसी मैच में आपको नजर आएंगे इस गांव के जो बेहतरीन खिलाड़ी है जैसे खादिम भाई ओसामा बल्लेबाजी शुरुआत से की जाती है और भी अन्य खिलाड़ी है, काफी बड़ा और कड़ा मुकाबला होने लगा मैच में। स्कोर बोर्ड पर रन ठीक ठाक लगा दी है, इतने रन में फाइट होती है यहाँ अच्छी रहती है। यहाँ 80 प्लस का जो टारगेट है, अगर बेहतर गेंदबाजी हो तो यहाँ उस लक्ष्य को डिफेंड किया जा सकता है। बैक टू बैक दो बार किया था टीम कायमपुरा की टीम ने, उनका जो पहला मुकाबला रोहल सापसर के खिलाफ था, रोहल सापसर एक मजबूत टीम है, उस टीम को 79 का जो लक्ष्य दिया था समुद्र 79-80 का टारगेट दिया था, उसी टारगेट में रोक दिया था और पूरी तरह से रोक दिया था। उसके बाद अगला मुकाबला भगासरा के खिलाफ था, उस मुकाबले में भी बड़ी जीत दर्ज की थी 79 के टारगेट में, 13 रन की जीत दर्ज की थी। संपर्क हुआ है और बहुत खूबसूरत संपर्क हुआ, जो काम अग्रज नहीं कर पाए वो काम यहाँ अनुज करते हुए। मोमेंटम देने का प्रयत्न करते हुए अपनी टीम को यहाँ से अभी तक इस ओवर में बात की जाए तो 13 रन आज के ओवर अंतिम गेंद से है। हबीब खा और एक फाइटिंग टोटल है वो यहाँ से बिल्कुल लग चुका, बिल्कुल ठीक कमेंट्री बॉक्स के आगे से, संभवतः हमें रिमाइंड करवाने के लिए आए हैं कि मैं भी आ चुका हूँ, तो बिल्कुल आप आ चुके हैं और बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। मुस्ताक खान सर हैं, कायम ट्रेडर्स एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, एक बेहतरीन शख्सियत वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल है, इस गेंद के बाद में बताएंगे आपको एक और बड़ा टूर्नामेंट, 20 टूर्नामेंट है बिल्कुल है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में नवलगढ़ के पास में गांव पड़ता है 20, जहाँ पे एक बेहतरीन आयोजन है होने वाला आगामी जो 9 जनवरी है। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट हो रहा है, एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ इसमें अंतिम गेंद पे भी बल्लेबाज आदिल की मदद से 2023 इसी बीच एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए, अंतिम दो गेंदों पर मोमेंटम प्रदान किया है बल्लेबाज। साथियों बात करें यहाँ से 20 क्रिकेट लीग के बारे में, जो की आने वाली 9 जनवरी उससे स्टार्ट है वो होने वाला है, जिसमें विजेता राशि 51,000 रूपए, उपजेता राशि 300 रूपए और इंटरफेस मात्र 2,500 रूपए रखी गई है। और उसके साथ साथ 10+1 का जो फॉर्मेट है वो इस टूर्नामेंट में रहने वाला है, यानी कि 10 खिलाड़ी आप किसी भी गांव से बड़े बुजुर्ग हैं इस खिला सकते हो, एक खिलाड़ी आप कहीं से भी हैं जो भी है वो समझ गए होंगे, 10 खिलाड़ी गांव से और एक खिलाड़ी आप कहीं से भी खिला सकते हो। उसके साथ साथ बेहतर कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र की बात, इनामी राशि वो इस पेमेंट के माध्यम से आप देख सकते हो, जिसमें विजेता राशि रूप में जुड़े रहते हैं। विजेता राशि 20 मैन ऑफ द सीरीज, 20 विकेट बल्लेबाज गेंदबाज और फील्डर उनको 1100 टूर्नामेंट का जो लाइव टेलीकास्ट है वो आपके छोटे भाई कासिम दुनकर के द्वारा किया जाएगा, तो जुड़ जाइएगा सभी साथियों आने वाली 9 तारीख से। घोषणा भी हुई थी गुलाब खान के द्वारा, आयुष का मास्टर साहब है, अयुब का चौबाई है, नवाब का कोच साहब है, इकबाल साहब चौबाई है, मुंशी खां है, सेना मेडल से भी नवाजे गए हैं, बिल्कुल लियाकत का मास्टर साहब है, मुस्ताक का टाइम ट्रेंडर्स के बारे में आपको बताया गया था। और अब बात करते हैं यहाँ से 93-94 का टारगेट है यहाँ से लाइगर बुक के बारे में, मुस्ताक का टाइम ट्रेंडर्स ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको 200+ गेम्स खेलने के लिए जिसमें लूडो क्रिकेट टेनिस बॉल
अगर जैसे अन्य गेम से वो बिल्कुल आपको इसमें खेलने को मिलेंगे, उसके साथ आप उनसे वैसे वो लाख रुपए उठवा सकते हो, जिनसे आपको जिन भाई को नई आईडी चाहिए वो इन व्हाट्सएप नंबर से जाके अपनी आईडी वो ले सकते हैं। 100% श्योर सिक्योर सेफ इंटरेस्टेड है ऑनलाइन गेमिंग बुक है, तो बिल्कुल जो भाई बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। मुबारक आतिबा है, नियाज आराज है, उसका सुदर्शन से वो भी बिल्कुल वेरियंस की तरह जुड़े रहते हैं यहाँ इस प्रतियोगिता में। मकसूद का भूमिया है, फारूक का फौजी साहब है, नासिर का तिबा वो भी एक बेहतरीन शख्सियत है, नासिर का तिबा है, यूनुस का तिबा है, एकमात्र ट्रेवल एजेंट है जाना हुआ है तो सभी वेरिएंट्स के द्वारा ही। तो जहाँ पे आपको बिल्कुल जिन भाइयों को विदेशी यात्रा करनी है, पैसे कमाना चाहते हैं, विदेश में जाके या फिर घूमना चाहते हैं या फिर अन्य किसी भी काम से उम्र हज के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। इनका एड्रेस है भाई भाई कॉम्प्लेक्स से मोहन जैन हॉस्पिटल के पास, गेट वन इनकी जो ब्रांच है उसके एड्रेस है किसान मार्केट पंचायत समिति के सामने। जितने भी वेरिएंट्स हैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। दूसरी बारी में वालेकुम अस्सलाम भाई खान शरण भाई, मीनाक्षी कुमार भाई, सद्दाम सिकंदर भाई, बता रहे कि अच्छा मुकाबला होगा, हम भी उम्मीद करते हैं मुकाबला अच्छा हो, मुकाबला जाए अंतिम और अंतिम गेंद तक।
तो एक बार फिर से स्वागत है सलामी बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज है वो आ चुके हैं यहाँ से। एक तरफ राजेंद्र चौधरी जो कि अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में जुड़े और उनके साथ में मौसम करामत गीला लगाए रे भाई, गीला लगाई अजीज खान भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा गांव है दुमकर, तहसील विदासर, जिला चुरू, विधानसभा क्षेत्र है सुजानगढ़ और पिन कोड नंबर है 3315-01। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेके आ रहे इकरार पठान, पहली गेंद रिवर्स के लिए गए और गैप में निकाल दिया भाई इस गेंद को, गेंद जाएगी वन बाउंस टू बाउंस के बाद 6 रन के लिए। तो सही अंदाज में अपना अकाउंट ओपन किया अपनी टीम का भी 4 रन के साथ। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन खान भाई, फिर से लॉफुल टॉस गेंद थी, इसको भी डीप फाइनल की तरफ खेला है 4 रन के लिए। बढ़िया आला है इसफाक भाई, आप बताइए। मोहम्मद इरफान भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। अगला मैच टीम छोटी बेरी, टीम महफिल भी कह सकते हैं क्योंकि उनके जो टीम स्पॉन्सर है वो है टीम महफिल और उनके सामने टीम है वो रहेगी टीम है सोमलपुर, टीएन सरकार सोमलपुर जो कि अजमेर जिले से है और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई बीके, बीके स्टार अंबाली, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू आपको भी। फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद और इस बार भी रन मिलेंगे भाई पूरे 4, एक और बाउंड्री से निकलती हुई राजेंद्र के बल्ले से। इस ओवर में ये 3रा चौका निकला है भाई, भाग रहा बोले भाग रहा। ये राजेंद्र चौधरी है भाई, पारी का आगाज हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम नुकसान पर इकरार चले फिर से राजेंद्र के लिए, एक और गैप में हो रहा है, इस बार रन मिलेंगे भाई पूरे 6, एक और बेहतरीन छोड़ भाई के लिए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी ये राजेंद्र चौधरी के द्वारा। इस ओवर में 4 बाउंड्री ले चुके हैं राजेंद्र, अपनी टीम को जो एक मोमेंटम चाहिए था वो प्रदान कर दिया है। पारी का पहला ओवर प्रगति फिर और स्कोर हो चला है 18 रन। इस ओवर के अंतिम गेंद इस बार धीरे से खेला है, ये भी है 2 रन के लिए यहाँ से मांग की और पूरे भी कर लेंगे। गेंद फील्ड होती दौड़कर 2 रन पूरे की एक, तो पहले ओवर में 20 रन आए भाई बिना किसी विकेट के नुकसान पे, स्कोर है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब मोहसिन सिसोदिया के लिए एक बड़ी घोषणा आई है, अगर वो 30+ स्कोर करते हैं तो नदी में खात्यासन की तरफ से उनको 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। खीरवा की टीम को पहले ही ओवर में चिंतन करने पे मजबूर कर दिया है राजेंद्र चौधरी ने। बिल्कुल सही है भाई आमिर भाई, पटिल
और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं फरदीन और सामने मोशिम आगे आकर खेला है। जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर एक रन और पूरा किया मोशिम ने अपना खाता खोला। स्कोर हो चला है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का भी दूसरा ओवर पर गति पर एक बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है खाते बांटने के लिए। अनुबंधित खिलाड़ी राजेंद्र चौधरी है स्ट्राइक पर। एक और खराब गेंद और एक और खूब शूट शॉट क्या रन के लिए भाई। लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर क्या रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहां से बाउंड्री लगा रहे हैं राजेंद्र। इसी बीच पंकज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत हमारे ननी अल्फा से जुड़े हैं। ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है पंकज भाई गांव छोटी बेरी तहसील डीडवाना और जिला है नागौर। तो इसी बीच इस चौके के साथ टीम का स्कोर है वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ से खत्यावासिनी का 25 रन अभी तक बिना किसी विकेट के और उन 25 में 24 रन वो निकले हैं भाई राजेंद्र के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी 7 गेंद पे 24 रन। तो एक बार फिर से फरदीन चल दिया यहाँ से अंपायर को क्रॉस किया फिर से छोटी गेंद हो रहे फर्स्ट बाउंस का इशारा इस बार अंपायर के द्वारा। इस गेंद पे अगर छेड़खानी करते बल्लेबाज तो यहाँ से दोनों ही चांस थे विकेट के लिए भी बिल्कुल गेंद वो खड़ी हो सकती थी और बाउंड्री है वो भी बन सकती थी अगर सही संपर्क होता तो। 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर फरदीन चले। एक और खराब गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है भाई वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया है राजेंद्र चौधरी ने। फरदीन चले राजेंद्र के लिए फिर से गेंद हवा में हो रहा है। इस बार बड़ा विकेट यहां से मिल चुका है भाई इस बार बहुत बड़ा विकेट मिला है यहां से राजेंद्र चौधरी के रूप में जिन्होंने 8 गेंदे खेली और 24 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को और बल्लेबाजी के लिए देखते कौन आ रहे हैं यहां से और आ रहे हैं भाई बल्लेबाजी के लिए इस टीम की ताकत इस टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नयूम सिसोदिया। और अब जा रहे हैं सबसे हर्षन मोला बल्लेबाज इस टीम के नयूम सिसोदिया। इस युवा बल्लेबाज ने पिछले एक साल में काफी सुर्खियां बटोरी है। छब्बीस एक दूसरा ओवर प्रगति पर है और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला। हाँ शुक्रिया खुशी भाई महफिल बेरी परसेज सोमलपुर अजमेर। गैप में खेला हुआ शॉट है और रन मिलेंगे यहाँ से भाई चार बेहतरीन शॉट नयूम के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट खेला है नयूम ने। फरदीन फिर से गेंद करेंगे नयूम के लिए। बाहर अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई गेंद दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो यहां से दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर है 30 रन बची हुई 48 गेंदे और 64 रनों की आवश्यकता यहां से। गेंदबाजी के लिए आमिर खिलवा वो आ चुके क्योंकि वो आए विकेट की तलाश में और वो बड़ा विकेट चाहिए ने नयूम सिसोदिया के रूप में। आमिर खिलवा इसे टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शेखावाटी अंचल के एक बेहतरीन गेंदबाज राजस्थान टेनिस क्रिकेट में इनका एक बड़ा नाम सामने है।
मोहसिन सिसोदिया, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक गेंद का सामना किया है। आमिर के लिए कड़ी परीक्षा होगी। आमिर चले मोहसिन के लिए, इस बार खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। नतीजा 2 गेंद, स्कोर अभी भी 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। वालेकुम अस्सलाम हबीब भाई, शिवलाल भाई भी हमारे साथ जुड़े, हमारे गांव से राम राम भाई। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी स्वागत और धन्यवाद। तो गेंदबाजी के लिए आमिर आए और खिरवा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है गेंदबाज। अब करते क्या आज इस मुकाबले में, अपनी टीम को कितना सहयोग करते, बल्लेबाजी में कुछ खास किया नहीं था। और शॉट है इस बार खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, गजब का शॉट यहां से, उसके बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट मोशन के द्वारा। इसी चौके के साथ स्कोर हो चला है 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया है खाते वाशनी ने, जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत देकर गए हैं राजेंद्र चौधरी। आमिर फिर से चले मशीन के लिए, रिवर्स का प्रयास इस बार गेंद दबा में हो रहा है, कोई गलती नहीं किया फील्डर ने, विकेट यहां से निकला है और मौसम के रूप में जाना पड़ेगा भाई। दूसरा विकेट यहां से निकला मौसम के रूप में। हैप्पी न्यू ईयर मुनीराम भाई, आपका भी स्वागत है। साजिद भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रन आ चुके थे, ऐसे शॉट की जरूरत थी नहीं मोहसिन को। अब कौन आ रहे नए बल्लेबाज, वो देखते हैं क्या रास्ता लिया। बिल्कुल कदकाठी से दूर से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा कि रास्ता लिया। बाकी जब हमारे पास में आएंगे, क्लोज में आएंगे तो आपको कन्फर्म भी करवा देंगे। तो बची हुई 45 गेंदे और 60 रनों की आवश्यकता यहाँ से। अरे ना, वो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 8 गए है, लेकिन करंट रेट है वो देखिए 13 से भी ऊपर का, 13.60 से। और हमारे साथ भाई रब्बारी नरसिंह है, वो गुजरात से लाइव देख रहे हैं इस मुकाबले को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। शकील असलम, फैसल देसवाली, स्वागत आप सभी साथियों का। लेकिन खातेबाज के लिए सबसे बड़ी राहत की बात, उनके सबसे हर पर राशिद 64 रन वो बनाए। एक बार फिर से आमिर के सामने राशिद, और राशिद बिल्कुल फंसाई दिया था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ यहाँ से आमिर सोहेल के द्वारा। आसान सा कैच गिराया है, बिल्कुल आसान सा मौका था जिसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया भाई। फील्डर वहाँ पे आमिर सोहेल है, काफी नाखुश होंगे कप्तान यहाँ से अर्षद खिरवा अपने इसे खराब फील्डिंग से, अपने फील्डर के खराब क्षेत्र अक्षर से। आमिर चले फिर से राशिद के लिए, खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए, नतीजा 2 गेंद, स्कोर अभी भी 34। मौसिम गोरी भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी है। शुक्रिया भाई मौसिम भाई, सिलवासा मार्ट आउट से भी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, आपका भी स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कयूम भाई, इस बार अच्छी बेहतरीन गेंद और ओवर की समाप्ति यहां से सफल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जिस काम के लिए इनको कप्तान ने नवीन सिसोदिया के लिए लाए थे इस ओवर में, वो काम हुआ नहीं, क्योंकि स्ट्राइक पे आए नहीं इस ओवर में, एक भी गेंद खेली नहीं नवीन ने। लेकिन एक ओवर अभी भी शेष है आमिर का, उसमें देखते क्या करते हैं नवीन के सामने जब होंगे तो। वालेकुम अस्सलाम इरफान खान भाई, तो बच्चे 7 ओवर में 60 रन चाहिए यहाँ से। लाडनू की टीम है क्या, लाडनू की टीमें थी लेकिन अब नहीं है, वो टीमें अब बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि ये टूर्नामेंट है वो अब अपने अंतिम चरण में है। टॉप 16 के मुकाबले यहाँ से खेले जा रहे हैं, 2 टीमें सेमीफाइनल के मिल चुकी है, 2 टीमें वो और मिल जाएगी, एक आज मिलेगी कल मिलेगी, यानी कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जो टीमें खेली थी, 64 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें से हमें 10 टीमें वो अब हमारे पास है, सिर्फ 10 टीमें, 2 टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी है और 8 टीमें वो बिल्कुल अब सेमीफाइनल के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी, जिनमें से 4 टीमें वो आज खेलेंगी, 4 टीमें कल खेलेंगी। जो 4 टीमें आज खेलने वाली है वो इस प्रकार है, पहली टीम यहाँ से कह सकते हैं खिरवा या खातेवास नहीं, और दूसरी टीम
ये दोनों ही टीमें पहली और दूसरी, और जो तीसरी और चौथी टीम है वो अगले मैच में है बेरी और उनके सामने सोमलपुर, और फिर जो कल की चार टीम है वो इस प्रकार है, टीम बीसीसी बोरावड, सेरानियाबाद, केसीसी कासली और बालाजी स्टार डाबड़ी, उनमें से एक टीम है वो कल चली जाएगी सेमी में। तो ये इस टूर्नामेंट का जो आपको लेकर सुखा वो बताया गया। और अब गेंदबाजी के लिए फर्दीन एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके, और पारिश से चौथा ओवर है। तो पहले ओवर में इन्होंने 10 रन खर्च किए थे एक विकेट के नुकसान पे, अब क्या करते वो देखने वाली बात है। श्रवण भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई। फाइनल मुकाबला समीर भाई 5 तारीख को खेला जाएगा, 3 तारीख को सेमीफाइनल होंगे, एक दिन का रेस्ट है 4 तारीख को, और उसके बाद में 5 तारीख को इस टूर्नामेंट का महा ग्रैंड मेगा फाइनल मुकाबला वो खेला जाएगा। 34 रन 2 विकेट के नुकसान, पहले इस मुकाबले का टॉस जीता था टीम खिरवा ने और बैटिंग का फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने 94 का टारगेट है वो दिया खातेवास ने, उसके बदले में यहाँ से आप देख सकते हैं पारी के चौथे ओवर में 34 रन बोर्ड पे लगा चुके टीम खातेवास ने, और 2 विकेट अभी तक इनके गए। इस बार रिवर्स का प्रयास किया था फरदीन के सामने, लेकिन पूरी तरह इस बल्लेबाज को बीट करवाए भाई। मुतलिफ सिसोदिया भाई वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सरवण भाई हमारे गांव से जुड़े हैं दुमकर से हमारे साथ, और करंट टाइम पे मौजूदा वक्त में अगर ये इनकी बात की जाए तो ये अपने सूरत में अपने व्यवसाय में बिल्कुल व्यस्त है, और वहीं से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और राम राम सरवण भाई। और इसी बीच विनोद भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई और हैप्पी न्यू ईयर आपको, सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। वालेकुम अस्सलाम रिजू भाई, शुक्रिया समीर भाई। रिचपाल गुजर भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत है साथी, राम राम आपको भी। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत रहेगा। तो एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए फरदीन, और फरदीन किस गेंद को खेला है राजेंद्र चौधरी ने तीन शुरुआत की थी, उसके आउट होने के बाद अब कुछ हद तक वापसी का प्रयत्न करते हुए टीम खिरवा, और अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे आदिल ने, उनसे उन्होंने इस मुकाबले को पूरी तरह से बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ से अब यहाँ से क्या बेहतर गेंदबाजी कर पाएगी टीम खिरवा या बेहतर बल्लेबाजी कर पाएगी टीम खातेबाज ने, जब तक नयुम सिसोदिया वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं तब तक तो इस मुकाबले में बिल्कुल हावी रहने वाली है टीम खातेबाज ने। अब नयुम जैसे आउट हो जाएंगे तो फिर हावी हो जाएगा यहाँ से टीम खिरवा। वालेकुम अस्सलाम रफीक भाई, क्योंकि नयुम कहीं ना कहीं फर्क पैदा करते हैं, राम राम सिसोदिया आप फर्क पैदा करते हैं इस समय, और जिस प्रकार से इस खिलाड़ी ने पिछले एक वर्ष में जो कार्य किया है और राजस्थान टेनिस क्रिकेट में एक बड़े कद पर आयाम स्थापित किया इस खिलाड़ी ने नयुम सिसोदिया। और दूसरी ओर बखूबी जानते हैं जहीर सुजानगढ़, अच्छे गेंदबाज है फरदीन भी, काबिल गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो बाएं हाथ की गेंदबाज की गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकलती है। इस बार इस गेंद को खेला है वहां गेंद बेहतरीन जहीर ने बताया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है वहां गेंदबाज और जहीर के मध्य, ऑप्शन पर गेंदबाजी करते तो बेहतर था, खराब गेंदबाजी कही जाएगी। इसी चार के साथ स्कोर जब पहुंचा 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 के बाद, अब यहां से जीत के लिए 36 गेंद 54 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 का है, यहां से अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है इस मुकाबले में, और बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि जब गेंदबाजी के लिए आएंगे आमिर पठान खिरवा तब कुछ फर्क पैदा हो सकता है इस मुकाबले में। एक ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, 1 ओवर 0 मेडिन 4 रन 1 विकेट, अब थोड़ी सी दुविधा है वहां अर्शद पठान खिरवा के लिए, क्योंकि नयुम सिसोदिया इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर यहां से आमिर को लेकर गेंदबाजी के लिए लेकर आते हैं अगर विकेट नहीं मिला तो फिर कहीं ना कहीं उनके पास विकल्प ज्यादा बचेंगे नहीं, क्योंकि आमिर का जो ओवर है वो डेथ ओवर के लिए बचाकर रखना चाहेंगे यहां से, क्योंकि उम्मीद की जा रही है मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा, और जब 2 ओवर में 15-20 रनों की आवश्यकता हो सकती है अंतिम क्षणों में, तब आमिर खिरवा का जो ओवर है वो बड़ा क्रूशियल साबित हो सकता है।
वरना अगर यहाँ गेंदबाजी करते हैं और नईम का विकेट नहीं निकालते हैं तो फिर ऐसा कोई गेंदबाज दूसरा गेंदबाज जो है नहीं जो अमित खीरवा आखिर अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर सके। बहरहाल वो भविष्य की बातें हैं, वर्तमान की बात की जाए तो चार के बाद 42 विकेट के नुकसान पर दादा कालका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से 2023 संस्करण के टॉप 16 के मुकाबलों का आगाज हो चुका है और दो टीमें इस प्रतियोगिता में पहले सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुकी है और तीसरे टिकट के लिए जद्दोजहद है। चार टीमें हैं वो लाइन में है, चार टीमें कतार में है, वो कौन सी टीम है? तो दिन भी तो इतनी खास नहीं पड़ती लेकिन सुबह की वस्तु शाम के बाद बहुत ठंड रहती है अपने यहाँ पे राजस्थान में, वहाँ पे गुजरात में जितनी ठंड नहीं आती है। जितने भी लोकल खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस की। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख भाई, हमारे साथ जुड़े हैं। कोई वॉलंटियर बना हुआ था, कोई अंपायर बने हुए थे, कोई स्कोरर बने हुए थे, पर अगले मुकाबले में सभी खिलाड़ी बनते हुए नजर आएंगे यहाँ से। और अब नईम सिसोदिया इस समय नौरंग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सात गेंदों का सामना किया है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ से। बताऊं दो मिनट 35-53 चाहिए। बिल्कुल घोषणा है वो आ चुकी है, यहाँ से घोषणा आई है खीरवा की टीम के लिए। अगर खीरवा की टीम यहाँ से मुकाबला जीतती है तो इकबाल खान चौभाई है उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि के साथ नवाजा जाएगा टीम खीरवा को। अगर यहाँ से खीरवा की टीम मुकाबला जीतती है तो 500 रुपए की राशि इकबाल खान चौभाई की तरफ से। तो बड़े बड़े भामाशाह हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, जितनी भी टीमें यहाँ खेलने के लिए आई हैं सबकी हौसला अफजाई यहाँ होती है। हाँ भाई फिरोज भाई, गिल्ली भी है लेकिन अपने घर पे है, इस मैच में नहीं है और इस टूर्नामेंट में भी नहीं है। इस बीच एक बार पुनः ये गेंद इस गेंद को खेला है, वहां पर खालिद मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा वहां पर। और बिल्कुल छोटी बेरी में एक और बेहतरीन जिम की ओपनिंग है वो होने वाली है कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों के बाद। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मोह माया, तो जब काया निरोगी होगी तो मोह माया भी अपने पास हो जाएगी और इसी के लिए बीइंग स्ट्रांग जिम की दूसरी जो ब्रांच है वो बहुत जल्द ओपन होने वाली है छोटी बेरी में। और उस ओपनिंग पर आपको बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं वो यहाँ नजर आएंगे, आज इन्होंने बड़ी बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ नजर आएंगे। अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद इकबाल है आज जो एशिया चैंपियन बने हैं वो यहाँ नजर आएंगे ओपनिंग डे पर। बीइंग स्ट्रांग जिम का भव्य शुभारंभ है वो बहुत जल्द यहाँ होने वाला है छोटी बेरी में, तो यहाँ के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और बिल्कुल एक घोषणा और आई है, वो आई है नईम सिसोदिया के लिए, कैच ड्रॉप कर दिया भाई इस बार राशिद का, मिला है बल्लेबाज को अर्शद पठान। खीरवा इस प्रकार की गलतियां हैं वो करते नहीं है पर गलती बरहाल हो चुकी है, आज बिल्कुल जो घोषणा ही है। हैप्पी न्यू ईयर पवन भाई सिसोदिया के लिए, बगरू से हमारे साथ जुड़े बगरू जयपुर से आमिर सिसोदिया की तरफ से, और जो उप सरपंच है निम्बी कला से आमिर सिसोदिया, उप सरपंच निम्बी कला की तरफ से घोषणा है 500 रुपए की राशि है। अगर नईम यहाँ से अर्घ तक लगाते हैं तो 500 रुपए की राशि के साथ अब बिल्कुल नवाजा जाएगा, तो घोषणा यहाँ दोनों टीमों के लिए बनती हुई, खीरवा के लिए भी और नईम सिसोदिया एंड पार्टी के लिए भी। इसी बीच ये गेंद चारों के लिए भाग्य का सहारा मिला है। तो 4 रन मिले यहाँ से इस गेंद पे और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। अब मुकाबले में बिल्कुल 48 रनों की आवश्यकता है, बची हुई घोषणा एक और घोषणा जुड़ चुकी है इसी कड़ी में। अब यहाँ से नईम अगर अर्ध शतक लगाते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल कार्य है तो 200 रुपए की राशि है वो मोनू बेरी की तरफ से भी जुड़ेगी। पवन भाई ये राजेंद्र चौधरी का मैच है लेकिन वो आउट हो चुके हैं, जो बैटिंग कर रही है टीम उससे खेल लेते हैं। 6 गेंदे उन्होंने खेली थी जिसमें उन्होंने 24 रन बनाए लेकिन 7वीं गेंद पे वो आउट हो गए थे। अब उनकी टीम अगर इस मैच में जीत जाती है, यानी कि टीम खतेवासिनी इस मैच में जीत जाती है तो अगले मैच में फिर से नजर आ सकते हैं, अगले में नहीं यानी कि आज के दिन का जो अंतिम मुकाबला होगा तीसरा मुकाबला अगला मैच तो बेरी और फिर उनके सामने टीम सोमलपुरा, उस मैच की जो विजेता टीम है वो इस मैच की विजेता टीम से खेलेगी। तो एक बार फिर से नजर आ सकती है आपको राजेंद्र चौधरी बल्लेबाजी करते हुए अगर यहाँ से इनकी टीम ने जीत की है। 47 स्कोर यहाँ से
एक मिनट स्कोर 47 रन है बची हुई, 30 में और 47 चाहिए भाई। 30 में आपने 47 बना लिया, अगले 30 में और 47 बना दीजिए, मुकाबला आपके नाम होगा। तो जो रन रेट चाहिए थे उसी रन रेट से आगे बढ़ते टीम है खातेवासनी। 47 रनों की आवश्यकता है। 9.4 का इकोनॉमिक, 9.4 का करंट रन रेट चल रहा है, 9.4 का ही रिक्वायर्ड रन रेट है। जीतू शर्मा भी है क्या टीम में? नहीं पवन भाई, जीतू शर्मा नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट है वो 10+1 का है, जिसमें 10 खिलाड़ी एक गांव से और एक खिलाड़ी कहीं से भी खिला सकते हैं आप। तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी के तौर पे, अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं राजेंद्र चौधरी। जीतू शर्मा नहीं है इस मुकाबले में। नियाज मोहम्मद खान भाई, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मुकाबला बन सकता है यहाँ से, 30 गेंदों पे 47 रन चाहिए टीम खातेवासनी को, और देखते हैं क्या होता है बागे। रिस्क है और गेंदबाजी के लिए लेकर चले आए हैं वहाँ आमिर को। तो इस ओवर से रणनीति साफ है यहाँ से, बिल्कुल बोलेंगे। अर्शद भाई, फिरोज खान है लहरिया की तरफ से आपको सलाम बोला जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम बोल दिया। हम भी उम्मीद करते हैं रफीक भाई मुकाबला लास्ट तक जाए। अच्छा मजाक कर लेते हो विनू भाई आप भी। हाँ ये बात सही है आपकी फैसल भाई, पूरा मैच है वो नयुम पे टिका हुआ है। अगर यहाँ से टीम खिरवा नयुम का विकेट जल्दी ले लेती है फिर इस मुकाबले में बिल्कुल ध्यान है वो आ सकते हैं, नहीं तो ये बल्लेबाज ऐसा है जो इतना है, जो आपको स्कोर दिख रहा है ना, ये जो 45 रन लगभग चाहिए, 46 रन चाहिए, ये बल्लेबाज काबिलियत रखता है 2 ओवर में इस ओवर को, इस रनों को चेज करने का। लेकिन अभी उनको पता है मेरे बाद में वो किसी पे विश्वास कर नहीं सकते, तो अभी वो रिस्क नहीं ले रहे ज्यादा। लेकिन इस बार रिस्क लिया और इस बार रिस्क के साथ रिवार्ड भी मिला भाई, बेहतरीन शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट, यहाँ से सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। लाइगर को क्रैकिंग सिक्स यहां से निकलता हुआ पहला छक्का निकला है नयुम के बल्ले से इस पारी से। जहीर ने कितने रन बनाए वो आप क्रिक हीरोज पे चेक कर लो, वहां पे आपको पूरा बायोडाटा मिल जाए इस मैच का, कितने गेंदे खेली, कितनी बाउंड्री लगी, वो सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। क्रिक हीरोज पे जाइए आप चेक कर सकते हैं, दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको बड़ी आसानी से टूर्नामेंट का जो लेखा जोखा मिल जाएगा भाई। एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, जब से क्रिक हीरोज आया अपने राजस्थान टेनिस क्रिकेट में तब से बिल्कुल राजस्थान टेनिस क्रिकेट को एक नया आयाम साहब मिल गया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया उसे भाई साहब का जिन्होंने इतनी बेहतरीन एप्लीकेशन का जो आविष्कार किया था, बहुत बहुत धन्यवाद उस भाई साहब को। इसी के साथ हमारे साथियों की संख्या वो लगातार बढ़ती हुई, यहाँ से 500+ हमारे भाइयों की संख्या वो चलती हुई यहाँ से कंटिन्यू, और अगर ये मुकाबला जाता है अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक, तो ये मुकाबले में जो संख्या वो आपको 800 से 900 के करीब है वो भी जाने वाली है अगर यहाँ से एक तरफा मुकाबला नहीं होता है तो। और बहुत से साथी ऐसे है जो बिल्कुल है नयुम के लिए हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तक नयुम है तब तक बिल्कुल हमारे साथ ही वो ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहेंगे, लेकिन जब ये बल्लेबाज आउट हो जाएगा ना फिर थोड़ी सी गिरावट वो देखने मिलेगी। तो बची हुई 25 गेंदे, रन चाहिए 38 यहां से।
इस बार गेंद हवा में, फील्डर आमिर शोएल उसके नीचे और नहीं पकड़ पाएंगे भाई। प्रयास भक्षक किया था, कोशिश अच्छी की थी बल्ले वहां पे फील्डर ने गेंद तक पहुंचने की, लेकिन अगर एक सेकंड और ये गेंद हवा में रहती तो यहां से बिल्कुल बल्लेबाज के जो बाहर जाने के चांसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यहां से। आके भाई हमारे साथ जुड़े हैं आप बीसीसी फोरावर्ड और कल खेलते हुए नजर भी आएंगे आपको यहां से, जीतने का भी कुछ कह नहीं सकते आके भाई। देखा जाए तो जब तक नहीं हुए तब तक जीते खातेवासनी के, लेकिन वो एक गेंद कब यहाँ से खातेवासनी के लिए बिल्कुल पड़ेगी, खिरवा के गेंदबाज की तरफ से आएगी वो एक गेंद जो आउट करेगी नईम को, और उसके बाद में इस मैच का जो रिजल्ट है वो बदल सकता है, ये मानना है हमारा है। शुक्रिया मेरे भाई सरूप भाई। छत्तीस रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी नो का है। ठीक है भाई, आज हमारा बर्थडे नहीं, लेकिन फिर भी आपने इतने मान सम्मान और प्यार से मेरे बर्थडे विश किया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज खान ले रहे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर शोएल जो फतेहपुर वाले वो तो अभी तक किसी भी टीम में नहीं खेले, हो सकता आगे जुड़ जाए किसी न किसी टीम के साथ, लेकिन एक आमिर शोएल वो टीम खिरवा के पास भी है और उन्हीं की आसे भी ये गेंद वो छिटकी थी। हमारे भाई बीके भाई वो कल आ रहे भाई बेरी में, आकिब के साथ है वो कल नजर आएंगे, उनके साथ में आदम खान है वो भी आएंगे, और शेट्टी भाई की है उम्मीद है वो भी आने की बहुत ज्यादा कल वो की जा रही है। संभवतः कल बड़ा आनंद आया था सभी दर्शकों को जब एक तरफ अजीत कड़वास रहा थे, दूसरी तरफ साकिर अजमेरी थे, आज के मुकाबले में भी एक तरफ जहीर सुजानकर है, दूसरी तरफ राजेंद्र चौधरी है, तो खिलाड़ी आज भी दोनों बड़े हैं और अगले मुकाबले में भी दो बड़े खिलाड़ी आज भैया बताओ। एक तो यूनिक इमरान दिखाई देंगे टीम सोमलपुर से, वही दूसरे छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ा वर्मा दिखाई देंगे एक रन की टीम महफिल छोटी बेरी की तरफ से। आखि भाई सर्दी तो सेठी भाई की उड़ा देंगे अगर वो आए तो, लेकिन वो आते नहीं है ना। हाँ वर्मा है भाई अगले मैच में, वर्मा टीम छोटी बेरी की तरफ से खेलेंगे। भाई अब तो शुक्रिया एमडी तिरुवासी भाई, तो यहाँ प्रत्येक मुकाबला है वो वन के तक जाने वाला है और वन के कहीं ना कहीं बहुत बड़े माइलस्टोन है और उस तक ये मुकाबला भी बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ से। अब मुकाबला बड़ा हो चुका है यहाँ से क्योंकि मयूम सिसोदिया खड़ा है तो मुकाबला फिर बड़ा है। गेंदबाज आदिल है इस मुकाबले में, दारा सिंह का मैच कल है शॉट। ओ भाई साहब कितना प्यारा शॉट था, कितना खूब शॉट था, मजा आता है जब ऐसे छक्के देखते हैं ना, जब किसी बल्लेबाज के बल्ले से ऐसे छक्के उड़ते हैं ना तो बिल्कुल मजा आता है। छक्के लगाए थे वो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना जिसो रही होगा पहला खुद को पिलाई है अब, और इस दवा का आज जो असर है वो बड़ा कड़वाहट बना है वहां पर। गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है छह रनों के लिए। अब ये बल्लेबाज ज्यादा समय तक शांत रहने वाला है नहीं यहां से, युवा गेंदबाज युवा बल्लेबाज एक तरफ, एक खिलाड़ी खाता बास से आता है दूसरा खीरवा से आता है, तो रन चाहिए मात्र 29 रन बची हुई 22 गेंदों पे। आदिल का ये ओवर कहीं खिरवा टीम को इस टूर्नामेंट से कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे तो इस ओवर की शुरुआत वो हो चुके भाई, बेहतरीन शुरुआत हुई और अंजाम उसको भी बेहतरीन देने का मादा रखता है बल्लेबाज। एक और खूब क्यूट शॉट डीप पॉइंट कवर के ऊपर से चार लगता है बिल्कुल। इन जो शॉट का रिप्लाई है वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी ये प्यारे प्यारे शॉट निकले हैं नयूम के बल्ले से उनकी बिल्कुल हम एक वीडियो क्लिप निकालेंगे और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, वहाँ पे आप इन शॉट का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है वो भी बिल्कुल लाइव विद कासिम के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी दिखाते हैं आपको हमारी लाइव स्क्रीन पे, और अब बड़ी घोषणा आई है वो आई है अब्दुल्ला पठान खीरवा की तरफ से। भाईचारा ग्रुप खीरवा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, भाईचारा ग्रुप खीरवा के जो कार्यकर्ता हैं अब्दुल्ला पठान खीरवा उससे स्कोर है ग्रुप को लीड करते हैं 20-24 चाहिए राशि है अगर यहां से खीरवा ये मुकाबला जीत जाती है तो। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लेना साथियों, जहाँ पे आपको बेहतरीन वीडियो क्लिप्स वो निकल देखने को मिलती है, जो भी बल्लेबाज अच्छी पारियां खेलते हैं फिर गेंदबाज अच्छी विकेट निकालते हैं हैट्रिक या फिर जो भी अच्छी अच्छी वीडियोस है वो आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को। लाइव विद कासिम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा जो 1K का टारगेट है वो आप पूरा करवा सकते हैं। लगभग 920 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे, और जब 1000 फॉलोअर हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर उसके बाद हम अपने पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं, तो आप वहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
तो इस ओवर के बाद में आपको थोड़ा सा जो समय मिलेगा उसमें आप कर सकते हैं। ये हमारे लिए ये छोटा सा तोहफा है, वो नए साल पे हमें आप दे सकते हैं एक सब्सक्राइब के रूप में। लास्ट बॉल भाई साइज 19 एक और बेहतरीन शॉट भाई रिवर्स के रूप में निकला है नए उनके बल्ले से। तो दिखाते हैं आपको हमारी लाइव स्क्रीन पे जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताते हैं आपको। ये देखिए आप लाइव विद कासिम से आप सर्च कीजिए, लगभग 920 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1 के आप करा सकते हो क्योंकि आप हमारे साथ लगभग 550 की तादाद में बने और उनमें से मुझे पता है लगभग आधे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप अगर एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज्यादा आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। तो एक सब्सक्राइब आप कर सकते हो, जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया उनसे निवेदन है एक सब्सक्राइब कर दो, अपने छोटे भाई कासिम दुमकर भी इतना सा प्यार और मान सम्मान वो दिखा सकते हैं। कर दीजिए जब तक ये ओवर स्टार्ट होता है तब तक आप कर दीजिए रिक्वेस्ट आप सभी से। पुरानी बोल देखते ही देखते वहाँ 36 रन पर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से 14 रनों की आवश्यकता है। 38 रन पर उनके लिए इनामों की घोषणा है वो भी है, इनामों की भरमार है वो भी है। तो गेंदबाजी के लिए अब जहीर खान आ रहे हैं, कप्तान है जहीर खान, वैसे इस टीम के अनुबंधित भी है और इन्हीं के स्पॉन्सरशिप में ये टीम वो खेल रही है। वालेकुम अस्सलाम रज़ा भाई, स्कोर कार्ड चल रहा ना? स्कोर कार्ड कर दूं। तो अब यहां से 18 गेंदों पे 16 रन चाहिए भाई। शुक्रिया अयान भाई ने हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गेंदबाजी के लिए अब जहीर खान आए हैं और आए इस स्थिति में जहां पे अब खिरवा के चांसेस है वो मात्र 10% रहे इस मुकाबले में। स्ट्राइक पर आ चुके हैं वहाँ नयन सिसोदिया और एक ही रन लेंगे, परिवर्तन करेंगे नहीं क्योंकि जानते हैं रिक्वायरमेंट जैसे मैं यहाँ रन आउट के रूप में। तो शुक्रिया साजिद भाई, आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी साजिद खान भाई। और लाइव दर्शकों में इस समय हमारे बीच हबीब खान है वो जुड़े हुए हैं इंसाफ अली खान होटल से। इसी बीच एक और खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए बाहर चली गई है, 4 रनों के लिए नयूम का बल्ला मचा रहा है हल्ला। जहीर सुजानगर गेंदबाजी के लिए आए हैं किसी चमत्कार की उम्मीद में, पर जब तक बल्लेबाज नयूम सिसोदिया है चमत्कार उनके द्वारा ही किए जाएंगे। चमत्कार है तो नमस्कार है और यहाँ क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा। इस बार गति परिवर्तन, एक और गेंद को उसी दिशा में खेलने का प्रयत्न कर रहे थे वहाँ बल्लेबाज। और हमारे बादशाह भाई ने बिल्कुल ये पढ़ लिया कि वो हमारे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल बढ़वाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बादशाह भाई। इस बार हवा में और कोई गलती नहीं करेंगे अर्षद इस बार, लेकिन अपना काम है उसको बखूबी निभा के जा रहा है भाई ये बल्लेबाज। 19 गेंदे 40 रन, जितनी तारीफ करे उतनी कम इस बल्लेबाज की, ऐसे क्रुशियल टाइम पे इतनी बेहतरीन पारी खेल के जा रहे हैं और अपनी बिल्कुल टीम को जीत के करीब लेके आए। रन यहाँ से 11 चाहिए, बल्लेबाजी के लिए सलीम आ रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बता दीजिए यहाँ से, क्या इस मुकाबले में पुणे कुछ हो सकता है क्योंकि मात्र 11 रनों की आवश्यकता है यहाँ से बची हुई 15 गेंदों पर, बची हुई 14 गेंदों पर माफी चाहते हैं, मात्र 11 रनों की आवश्यकता 14 गेंद। और हमारे साथ अब हमारे भाई बड़े भाई लाइव पे जुड़े हैं, अब बात कर रहा था 11 स्टार, बात कर रहे हैं उस शख्सियत की और मुकाबले में नाम उस शख्सियत का मोहम्मद शादिक खान, एपिक स्पोर्ट्स से फतेहपुर से हमारे साथ बने और 11 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। नयूम सिसोदिया आउट हो चुके हैं, आपको बता दें इस टूर्नामेंट में जो भी बिल्कुल सामान है वो इन्हीं की तरफ से है भाई, एपिक स्पोर्ट्स फतेहपुर की तरफ से, छोटे से लेके बड़ा सामान जो भी टी शर्ट है, ट्रॉफी, मोमेंटोस जो भी है
वो सभी इनकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है इनका जो हमारे साथ लाइव में बने अपना कीमती समय निकाल के। जो वर्किंग खिलाड़ी हैं उनको भी कहीं ना कहीं साबित करके दिखाना होगा कि निसंदेह नयिम सिसोदिया सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है खाताबाजी का, पर बाकी के बल्लेबाज हैं वो एक और धूल चटाने का मादा रखते हैं और इस खिलाड़ी ने बड़ा छक्का भाई उड़ाया बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। शुक्रिया विनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साबिर मोहम्मद भाई बहुत टाइम अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले अपना चैनल था उसको बनाए हुए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, अब उस पर ध्यान दे रहे हैं तो वो टाइम वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और सब्सक्राइबर वो भी धीरे धीरे आप भाइयों के सपोर्ट से बढ़ रहे हैं और इसी बीच फिर से गेंद हवा में। और इसी बीच आप हमारे साथ जुड़े हैं मदन जी पिलानी, आपका भी स्वागत है। बोमपुरा से हमारे साथ बने और हमारे गांव में जब टूर्नामेंट हुआ था दुमकर नाइट टूर्नामेंट सीजन 6 लक्ष्मण बाग मेमोरियल, उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार था 5100 रुपए वो बिल्कुल इनकी तरफ से था। एमडी पिलानिया मदन जी पिलानिया भोमपुरा से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका भाई साहब। मुकाबले में और अभी भी हमारे लाइव व्यूवर्स एक लंबी तादाद है, एक बड़ा और इसी बीच अब हमारे जो रिजवान भाई साहब है इनका भी जो ऑफिशियल पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिनकी आप बेहतरीन आवाज सुन रहे हैं उनका ये ऑफिशियल पेज है। पिट्टू खान है आपका भी स्वागत है, वो भी जुड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया है उनके द्वारा आती हुई, धन्यवाद पिट्टू भैया। इनके अतिरिक्त महेंद्र रॉयल नादापुरा है, रिजवान अली है, परवेज खान खात्यासनी है, समीर खान है, नाजिम अली है, आबेखोब चौधरी बागसरा पूर्वी है, नाजिम अली है और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जुड़े हुए हैं आप सबका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। 4 रन चाहिए मात्र और गेंद गेंद में और निकल जाएगी भाई और इसी के साथ इस मुकाबले को खत्म करके जा रही है आज की पिंक क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने वाली पहली टीम बनी है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत चुके हैं, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं यहाँ ले चलते आपको सीधा कमेंट्री और उसके बाद अब जो मुकाबला होगा सोमलपुर वर्सेज सोमलपुर वर्सेज छोटी देरी टीम महिल के मध्य मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है नयिम सिसोदिया जो कि लगातार तीसरी बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं भाई, पिछले 2 मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे और इस बार भी मैन ऑफ द मैच है, तो लगातार तीसरी बार मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के, तो इसे बेहतरीन खिलाड़ी और क्या हो सकता है भाई, और इसे टूर्नामेंट भी बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सबसे आगे आ चुकी है संभवत है अगर बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच की अगर बात कर ली जाए तो कौन हो सकता है वो तो क्रिक हीरोज है वो बता देगा अभी, क्योंकि जो डिजिटल एप है बहुत आसान हो गया इस कार्य से और वही है मैन ऑफ द मैच जो 90% होते हैं, जब भी खाताबाजी की टीम जीतती है तो 95-90% मैन ऑफ द मैच है वो नयिम सिसोदिया रहते हैं, तो नयिम सिसोदिया चले आए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है नयिम सिसोदिया। वही दूसरी ओर खीरवा की कप्तान है वो बिल्कुल चले आए हमारे बीच, खीरवा की कप्तान अर्षद पठान खीरवा या फिर जहीर सुजानगढ़, अर्षद पठान खीरवा या फिर जहीर सुजानगढ़ बिल्कुल आए और नयिम सिसोदिया आप भी चले आए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है नयिम सिसोदिया। और बेनी के जो बुजुर्ग है बिल्कुल चले आए, मैन ऑफ द मैच अवार्ड है वो देना है नयिम को, नयिम सिसोदिया को मैन ऑफ द मैच प्रदान करना है। मुस्ताखा कैंट ट्रेडर्स हमारे बीच है, उनके अतिरिक्त यूसुफ खा भूमिया जी है, आप अपने आप भी चले हैं या फिर अपने बुजुर्गों को बिल्कुल यहाँ मैन ऑफ द मैच प्रदान करने के लिए भेजे। और बिल्कुल इकबाल खा सरपंच साहब बिल्कुल यहाँ आए हुए हैं, तो इकबाल खा सरपंच साहब बिल्कुल आए, इकबाल खा सरपंच साहब मैन ऑफ द मैच है हमें प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले नयिम को वहां से जो बताया था प्रत्येक क्षेत्र में 200 रुपए की राशि है, तो 200 रुपए की राशि नयिम को अब सबसे पहले, और सलीम आप भी आए, सलीम के लिए भी बिल्कुल 200 रुपए की राशि है। तो बिल्कुल नयिम सिसोदिया के बड़े भैया हैं तो साथ में 250 रुपए की राशि दोनों खिलाड़ियों को
तो मैन ऑफ द मैच देने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं इकबाल खां, सरपंच है छोटी बेरी से, मुस्ताक खां कैन ट्रेडर्स है, जो मोमेंटो टी शर्ट है वो लेके चले आए। तो सबसे पहले थोड़ी सी रूबरू इस युवा फौलाद से किक कर ली जाए, विस्फोटक बल्लेबाज से कर ली जाए, नयूम सिसोदिया। तो सबसे पहले नयूम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से लोकल टीम है, यहाँ से खाकाबाद नजदीक से ही है दूसरी टीम भी खिरवा। तो किस स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, किस रणनीति के साथ यहाँ से आए थे, क्योंकि खिरवा भी एक बड़ी टीम है, खिरवा भी एक अच्छी टीम है। तो सलीम आप भी बिल्कुल यहाँ जुड़ जाए दोनों साथ में, नयूम आपका चेहरा है वो लाइव दर्शकों की तरफ रहना अति आवश्यक है। तो सलीम किस प्रकार की रणनीति के साथ यहाँ से आए थे इस मुकाबले में? बिल्कुल, खिरवा की टीम एक बहुत बड़ी टीम है और हम इनके सामने काशली में भी खेल चुके हैं, वहाँ हमने कैच ड्रॉप किया तब हारे थे और उसके बाद बलारा में भी अच्छा मैच हुआ था उसमें भी हम विजेता रहे थे। और यहाँ की बात की तो हमने राजेंद्र चौधरी जो हमारे अनुबंधित खिलाड़ी थे तो उन्होंने यही कहा कि हम चेस अच्छे करेंगे, हालांकि हमारी टीम की मजबूत कड़ी बॉलिंग है तो हम भी यही चाहते हैं पहले हम बैटिंग करके टोटल अच्छा टोटल खड़ा कर दें और फिर सामने टीम को चेस पे जाएं। लेकिन यहाँ राजेंद्र भैया ने बताया कि हम चेस करेंगे और बिल्कुल हमने चेस करके दिखाया। तो आगे के मुकाबले में इस समय ये मुकाबला जो होगा सोमनपुर वर्सेज टीम महफिल छोटी बेरी बड़ा मुकाबला होगा। तो अब आप एक मुकाबला जीत चुके हैं, आज के दिन का तीसरा मुकाबला है वो पुनः आप ही को खेलना है, तो उस मुकाबले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस मुकाबले में पुनः आपसे रूबरू होंगे और अब मैन ऑफ द मैच है इकबाल खां, सरपंच साहब और मुस्ताक खां कैम ट्रेडर्स बिल्कुल मैन ऑफ द मैच है वो प्रदान करेंगे नईम को। तीसरी बार तीनों मैच में और तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच है तीसरी बार और ये है ही बिल्कुल जब खाकाबाद जीतती है तो 95% है वो नयूम सिसोदिया ही मैन ऑफ द मैच रहते हैं। उसी प्रकार से जब टीम छोटी बेरी महफिल जीतती है तो ज्यादातर खादिम है वो मैन ऑफ द मैच रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नयूम, बेस्ट ऑफ लक अगले मुकाबलों के लिए। तो बिल्कुल अगले मुकाबलों में पुनः आप सभी से रूबरू होंगे, आप हैं वो इसी प्रकार जुड़ते रहे अपना प्यार इस लाइव विद कासिम के ऑफिशियल पेज को वो देते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।